वानी ने हैरानी के साथ हर्ष की माँ की तरफ देखा। हर्ष की माँ शैतानों के जैसे मुस्कुरा रही है और हर्ष की बहन हाथों में हार डाली वानी को ध्यान से देख रही है। वानी ने हर्ष की माँ से कहा, बताइए आपकी क्या शर्त है? हर्ष की माँ ने एक बार फिर से वानी को टेस्ट करते हुए कहा, सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। हर्ष की माँ की बात का जवाब देते हुए वानी ने कहा, आप मुझे शर्त बताइए, मैं कुछ भी करके आपकी शर्त पूरी करूंगी, लेकिन आप मेरे बच्चे को अपनाएंगे, आप ये वचन दीजिए। हर्ष की माँ ने हर्ष की बहन की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। फिर हर्ष की बहन वानी से बोली, मेरी माँ अपने शब्दों से पीछे नहीं हटती औरों के जैसे। वानी हर्ष की बहन का मतलब समझते हुए बोली, तो मैं भी कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटती, आजमा कर देख लीजिए। वानी की माँ कुटिल हंसी के साथ होंठों पर जीभ फिराते हुए बोली, मेरी शर्त है। एक तरफ वानी से हर्ष की माँ शर्तों पर बच्चे को अपनाने के लिए हामी भर रही है तो दूसरी तरफ मानव अपने ऑफिस में परेशान पेपर देख रहा है। मानव अपने ऑफिस पहुंचा और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा, अकाउंटेंट को बोलो मेरी सारी फाइल लेकर आएगा। अभी मानव अपनी सारी अकाउंट डिटेल्स मंगा ही रहा था कि तभी एक इन्वेस्टर की कॉल आई और मानव से कहा, मिस्टर मानव, आपने आज की न्यूज देखी? मानव ने चौंकते हुए पूछा, क्यों, ऐसा क्या खास है? इस पर इन्वेस्टर ने थोड़ा इरिटेट होते हुए कहा, पहले आप न्यूज देखिए, खुद समझ आइए, और हमें इस बात का जवाब चाहिए। मानव इन्वेस्टर की बात से सोच में पड़ गया। आखिर माजरा क्या है? ये मीडिया वाले भी कुछ भी बोलते और दिखाते रहते हैं, अब फिर कोई नया मुद्दा खड़ा कर दिया। और ये सोचते हुए मानव ने टीवी ऑन किया तो सामने न्यूज हेडलाइंस चल रही थी। मिस्टर मानव फिर से सवालों के घेरे में, उनकी कंपनी में बहुत बड़ा ड्रग रैकेट पकड़ा गया, कौन है असली मुजरिम, हर्ष या मानव? टीवी पर चल रही इस खबर से मानव का पारा चढ़ गया और उसने गुस्से में रिमोट को पटकते हुए कहा, एक और नई मुसीबत, बिना जांच पड़ताल बिना छानबीन के कुछ भी दिखाते रहते हैं, इसलिए सारे इन्वेस्टर्स मीटिंग करना चाहते हैं, अब मेरी समझ में आया। मानव ने तुरंत एक मीटिंग कॉल की जिसमें उसने अपनी कंपनी के सारे इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को बुलाया। मीटिंग रूम में इन्वेस्टर्स आपस में फुसफुसा रहे हैं, लेकिन जैसे ही मानव वहां पहुंचा वो सारे चुप हो गए और मानव को देखते ही बोले, क्या वाकई आपकी कंपनी से इतना बड़ा ड्रग सप्लाई हुआ है? मानव ने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा, आप लोगों को किस बात से परेशानी है? इतना ज्यादा ड्रग सप्लाई हुआ है इस बात से कि ड्रग सप्लाई मेरी कंपनी से हुआ है इस बात से? मानव के इस तरह के सवाल पर एक बार को हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर एक इन्वेस्टर ने कहा, मिस्टर मानव, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकता, मुझे अपना नाम नहीं खराब करना, आप जानते हैं ना ड्रग्स में डील करना कितना बड़ा कानूनी जुर्म है। मानव इन्वेस्टर की इस बात से शॉक हो गया और उसने पूछा, कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा कि ये इतना बड़ा ड्रग कंसाइनमेंट मैंने सप्लाई करवाया है? मानव की बात का जवाब देते हुए दूसरा इन्वेस्टर बोला, हुआ तो आपकी कंपनी से ही है ना, और वो भी इतने बड़े स्केल पर, हम कैसे मान लेंगे ये आपको नहीं मालूम था? मानव ने घूर कर इन्वेस्टर को देखा और बोला, ऐसा है, मुद्दे उठाने को सैकड़ों मुद्दे हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं अकेला, अगर आप मेरी बात आसानी से सोचें और समझें तो मैं आपके सामने अपनी बात रख सकता हूं, और अगर आपने सोच लिया है कि आप लोग इस कंपनी में अब आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो मैं ना ही अपना टाइम खराब करना चाहता हूं और ना ही आपका। मानव के इतना कहते ही इन्वेस्टर्स एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर एक इन्वेस्टर ने बोला, देखिए अब आप ये मत बोलिएगा कि आपकी जानकारी में कुछ भी नहीं था और ये अचानक हुआ, एक अकेला आदमी इतना बड़ा ड्रग सप्लाई नहीं कर सकता, आपका वेयरहाउस है, आपकी कंपनी है, उसके अंदर क्या हो रहा है आपको क्या इतना भी नहीं मालूम था? इन्वेस्टर की बात को बीच में काटते हुए मानव ने गुस्से में कहा, हां नहीं मालूम था। मानव के इतना कहते ही हॉल में सन्नाटा छा गया। सारे इन्वेस्टर्स मानव की तरफ हैरानी से देखने लगे और मानव ने कहा, नहीं मालूम था मुझे कि वेयरहाउस में ये सब चल रहा है, मैंने उस आदमी पर विश्वास किया, आप सब जानते ही हैं कि पहले मैं किस बुरे दौर से गुजरा हूं, और दोबारा से जब ये मुकाम मिलने लगा तो मैं उस आदमी पर ट्रस्ट कर रहा था। एक इन्वेस्टर मानव का मजाक बनाते हुए बोला, ये तो पुराना पैटर्न चला रहा है। मानव ने सवालिया नजरों से उस आदमी को देखा तो वो आदमी अपनी बात पूरी करते हुए बोला, मालिक कुछ भी काम करे दोष उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति का ही आता है, और अंदर खाते उसके परिवार को सेट करने का खर्चा पानी देकर उसका मुंह बंद कर दिया जाता है ताकि वो सारे दोष अपने ऊपर ले ले। इतना सुनते ही मानव ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारा और बोला, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। मानव का इस तरह से गुस्सा करना इन्वेस्टर को खला और उन्होंने खड़े होते हुए कहा, माफ कीजिएगा, हम ऐसी कंपनी में डील नहीं करना चाहते जहां इतने बड़े स्केल पर ड्रग रैकेट चलता हो। और फिर एक एक करके सारे इन्वेस्टर्स मानव के ऑफिस से बाहर चले गए। मानव सबको जाते हुए देखता रहा और फिर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। मानव ने अपने ऑफिस रूम से बाहर निकलते हुए एक इन्वेस्टर से कहा, प्लीज ट्रस्ट मी, जल्दी ही ये मामला सुलझ जाएगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कीजिए, ये किसी की साजिश है, ऐसा कुछ नहीं है, और कंपनी में जैसे पहले काम चलता था वैसे ही चलेगा। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ने हाथ पीछे खींच लिया, अधिकतर सारे इन्वेस्टर्स चले गए। एक दो रुके तो उन्होंने मानव से कहा, मिस्टर मानव, हमारा भी मन नहीं है वैसे तो, लेकिन फिर भी आपसे अपने संबंधों को देखते हुए हम आपको एक मौका और देते हैं, आप हमें एक हफ्ते के अंदर सारी चीजों को क्लियर करके बताएं, उसके बाद ही डिसाइड होगा। एक तरफ मानव सारे इन्वेस्टर्स के पीछे हाथ खींच लेने से परेशान है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा के घर पर रवि वर्मा और वानी की माँ परेशान घूम रहे हैं। वानी को उनकी कॉल भी नहीं मिल रही। परेशान होते हुए वानी की माँ ने रवि वर्मा से कहा, पता नहीं कहाँ चली गई है ये लड़की, इतनी लापरवाही भी सही नहीं। रवि वर्मा ने इतना सुनते ही वानी की माँ की तरफ देखा और फीकी सी स्माइल करते हुए बोले, काश इतनी परवाह पहले की होती और तब समझा होता कि लापरवाह एटीट्यूड क्या होता है। रवि वर्मा की बात सुनकर वानी की माँ ने रवि वर्मा को घूर कर देखा। वानी की माँ अभी वानी के लिए परेशान हो ही रही है कि तभी वानी घर वापस आ गई। वानी को देखकर मिस्टर रवि वर्मा और उनकी पत्नी ने हैरान होकर पूछा, कहाँ गई थी तुम, कैसी लापरवाही है ये, कितनी बार तुम्हें कॉल की और तुम हो कि कॉल नहीं पिक कर रही थी। रवि वर्मा और अपनी माँ के सवालों पर वानी ने दोनों के चेहरों को ध्यान से देखा और फिर धीरे से कहा, मैं हर्ष की माँ से मिलने गई थी। इतना सुनते ही वानी की माँ और रवि वर्मा हैरान हो गए और प्रश्न भरी नजरों से वानी की तरफ देखा। वानी उनके मन की बात समझकर बोली, इस बच्चे को बाप का नाम मिलना ही चाहिए और इसी वजह से मैं हर्ष के घर गई थी। रवि वर्मा गुस्से में बोली, दिमाग तो खराब नहीं है तुम्हारा, जानती भी हो तुम क्या बोल रही हो, क्या उधर जाने से पहले तुमने एक बार भी पूछने की जरूरत नहीं समझी? मिस्टर रवि वर्मा की बात का वानी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वानी की माँ आगे बढ़ी और वानी से बोली, क्या कहा हर्ष की माँ ने?
रवि वर्मा टमटमाते हुए वाणी की माँ से बोले, उसे डांटने की जगह तुम उसका साथ दे रही हो। वाणी की माँ चिढ़कर बोली, क्या कोई ऑप्शन है आपके पास? अबॉर्शन हो नहीं सकता, राहुल शादी करेगा नहीं, तो क्या ये यशिका की जैसे बिन ब्याही माँ बनकर अपने लिए और परेशानियां खड़ी करेगी? यशिका का हाथ थामने के लिए तो मानव खड़ा था, इस बेचारी के पास कौन है? रवि वर्मा ने घूर कर दोनों को देखा और बोली, खबरदार जो दोबारा यशिका का नाम लिया। उसने वो फैसला उस समय क्यों लिया था भूल गई? उसने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया, ना ही कोई गलत कदम उठाया। बार बार यशिका के ऊपर उंगली उठाना बंद करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रवि वर्मा की बात को इग्नोर करते हुए वाणी की माँ ने वाणी का हाथ पकड़ा और अपने पास बैठाते हुए पूछा, क्या कहा हर्ष की माँ ने, मुझे बता। वाणी ने ध्यान से एक बार रवि वर्मा की तरफ देखा, फिर माँ की नजरों में नजर डालकर बोली, हर्ष की माँ ने इस बच्चे को अपनाने के लिए बोला है, लेकिन उनकी शर्त है। शर्त के नाम पर वाणी की माँ की आंखें फैल गई और वाणी से कहा, ऐसे में भी शर्त? वाणी ने हामी में गर्दन हिलाई और आगे बोली, हर्ष को जेल से छुड़ाना। शर्त वाली बात सुनकर वाणी की माँ के मुंह से निकला, बस इतनी सी बात। एक तरफ वाणी हर्ष की माँ की शर्त क्या है अपनी माँ को बता रही है, तो दूसरी तरफ उधर ऑफिस में दादाजी और मानव आपस में बातें कर रहे हैं। दादाजी ने मानव से पूछा, मानव मैं कल से देख रहा हूँ तुम बहुत परेशान हो, सब ठीक तो है ना बेटा? ये इन्वेस्टर्स यहाँ पर क्यों आए थे? अब कौन सा नया बखेड़ा खड़ा करना चाहते हैं ये लोग? दादाजी के प्यार भरे स्पर्श से मानव की आंखों में आंसू आ गए और वो दादाजी से लिपट कर रोने लगा और फिर बोला, देखिए ना दादाजी, मैं चाहता था कि अब आपको दोबारा परेशान ना करूं, लेकिन मैं जो चाहता हूं पता नहीं मेरी किस्मत मेरा साथ क्यों नहीं देती। दादाजी मानव को चुप कराते हुए बोले, बात तो बताओ आखिर बात क्या है? दादाजी की बात पर मानव ने कहा, दरअसल ये इन्वेस्टर अब कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। दादाजी एक बार फिर से हम बर्बाद हो गए, हमारे पास कुछ नहीं रहा, सारे इन्वेस्टर्स ने हाथ खींच लिया और इन सब का कारण वो हर्ष है जिसने कंपनी में इतना बड़ा ड्रग्स का फ्रॉड किया। इतना सुनते ही दादाजी कुर्सी पर धड़ाम से बैठे, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और बोले, हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा बेटा, तुम परेशान मत हो, भगवान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, लेकिन छोड़ना मत हर्ष के बच्चे को, अगर दोबारा से हम परेशानियों में घिरे हैं तो वो इस आदमी की वजह से। एक तरफ मानव और दादाजी आपस में बातें कर रहे हैं तो दूसरी तरफ वाणी और वाणी की माँ की बात सुनकर रवि वर्मा गुस्से में बोले, तुम दोनों माँ बेटियों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम एक अपराधी को जेल से निकलवाने की सोच रही हो और वो भी उस आदमी को जिसकी वजह से आज यशिका और मानव इतनी बड़ी परेशानी में घिर चुके हैं। रवि वर्मा की बात सुनते ही वाणी ने आग बबूला होते हुए कहा, मुझे लगता है आपकी सिर्फ एक ही बेटी है और वो है यशिका, जब देखो यशिका यशिका यशिका, परेशान हो गई हूं मैं उसके नाम की माला सुनते सुनते। मिस्टर रवि वर्मा गुस्से में चिल्लाए, वाणी भगवान से डरो। लेकिन तभी बीच में वाणी की माँ बोली, गलत भी तो नहीं कह रही है वाणी, इतनी परेशानियों में है मेरी बच्ची और फिर भी आप यशिका के नाम की माला जपना बंद नहीं करते। वाणी की माँ की बात सुनकर मिस्टर रवि वर्मा गुस्से में बोले, जिस बच्ची की इतनी परवाह कर रही हो समझ नहीं पा रही हो कि वो क्या चाहती है? तुम इतनी भोली भी नहीं हो कि तुम उसकी बात का मतलब नहीं समझो। अरे बेवकूफ औरतों, हर्ष की माँ तुम्हारे इमोशन से खेल रही है और अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। कैसी आंखों पर पट्टी चढ़ाई बैठी हो तुम लोग, जो तुम्हें सही और गलत में फर्क नहीं दिख रहा। हर्ष ने ड्रग सप्लाई का अपराध किया है, अपराध जो कानूनी नजर में बहुत बड़ा जुर्म है। वाणी मिस्टर रवि वर्मा की बात के प्रति लापरवाह एटीट्यूड दिखाते हुए बोली, उसका अपराध अभी साबित नहीं हुआ है, वैसे भी आप उसे गुनहगार तो बिल्कुल मत कहिए। आप मानव को इतना सीधा समझ रहे हो ना, तो वो पहले से ही यही काम करता होगा, और ये तो हर्ष को पता चला तो मानव ने उसको उल्टा फंसा दिया। वाणी की बात से रवि वर्मा आग बबूला हो गए और गुस्से में वाणी की तरफ बढ़े और चिल्लाए, वाणी। लेकिन वाणी की माँ दोनों के बीच में आ गई और बोली, चलो मान लिया ये काम हर्ष ने किया है तो अब उसे अपनी बात के लिए अफसोस भी तो है, वो माफी मांगने के लिए भी तैयार है, और आपका इतना पैसे वाला दामाद क्या बाहर नहीं निकाल सकता हर्ष को? एक तरफ वाणी की माँ और वाणी मिस्टर रवि वर्मा से झगड़ रही है तो दूसरी तरफ जेल में हर्ष की माँ हर्ष से मिलने पहुंची और हर्ष से बोली, वाणी आई थी। हर्ष ने हैरानी के साथ अपनी माँ की तरफ देखा। हर्ष को इस तरह से देखता हुआ देखकर उसकी माँ मुस्कुराई और बोली, लेकिन मैंने वाणी के सामने ऐसी शर्त रखी है जिसको सुनकर तुम खुश हो जाओगे। और फिर हर्ष के पूछने पर हर्ष की माँ ने हर्ष को पूरी बात बताई, जिसे सुनते ही हर्ष खुश हो गया। क्या मानव की कंपनी एक बार फिर से डूब गई? क्या मानव अपनी कंपनी को बचा पाएगा? हर्ष और उसकी माँ की नई योजना क्या है? पुलिस स्टेशन में हर्ष की माँ हर्ष से बोली, मैंने इतना अच्छा प्लान बनाया है कि समझ ले अब हमारे अच्छे दिन आ गए। हर्ष ने हैरानी के साथ अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। हर्ष की माँ मुस्कुराते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से सुन, वाणी चाहती है कि तू इस बच्चे को अपना नाम दे, लेकिन अपनी माँ की बात को बीच में काटते हुए हर्ष ने कहा, मुझे गोलमोल नहीं, साफ साफ बताओ वाणी ने आपसे क्या कहा। हर्ष की माँ ने हर्ष की तरफ देखा और समझाते हुए बोली, मेरी बात ध्यान से तो सुनो, वाणी चाहती है कि इस बच्चे को बाप का नाम मिले, लेकिन उसे इसकी कीमत देनी पड़ेगी और मैंने बस वही कीमत मांगी है। हर्ष ने अपनी माँ की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा और पूछा, तो माँ वाणी आपकी बात मान गई, वो आपको इसकी कीमत देने के लिए तैयार है? हर्ष की माँ की आंखों में चमक है, उसने अपनी चमकती हुई आंखों से हर्ष की तरफ देखा और कहा, हाँ क्यों नहीं, जब वो चाहती है कि मैं इस बच्चे को अपना लूं। ये सुनते ही हर्ष ने खुद से मन ही मन सोचा, मतलब मेरा प्लान कामयाब हो गया, आखिर वो पूरी तरह से घुटनों पर आ ही गई, आज वो आई है कल उसका जीजा वो मानव भी आएगा। हर्ष की माँ ने आगे बोला, बस वो मेरी सारी बात मान जाए, फिर तुम जेल से भी निकल पाओगे और जैसी जिंदगी चाहते हो वैसे भी जी पाओगे। हर्ष ने हैरानी के साथ अपनी माँ को देखा और पूछा, कैसे? हर्ष की माँ हर्ष के कान में बोली, तुम बस देखते जाओ, मैंने वाणी को बोला है कि तुम्हें जेल से निकाले, ये उस खजाने की चाबी है जहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं, लेकिन इस चाबी के जरिए तुम उस खजाने तक भी पहुंचोगे और उस खजाने का मजा भी लोगे। हर्ष माथे पर बल डालकर ध्यान से अपनी माँ की बात सुनता रहा, फिर उसने अपनी माँ से कहा, क्या आपको लगता है कि जो आप सोच रही हैं वैसा हो पाएगा?
हर्ष की बात पर हर्ष की माँ एकदम से तुना कर बोली, हाँ हाँ अब देखना ये तुमको जेल से निकालने के लिए हाथ पैर मारेगी और मैं जानती हूँ तुम जेल से बाहर भी आ जाओगे, लेकिन तब शुरू होगा असली गेम। हर्ष ने उत्सुकता से अपनी माँ से पूछा, लेकिन आप क्या करने वाली हो ये तो बताओ। हर्ष की माँ इतराते हुए बोली, बेटा बस तुम देखते जाओ, वैसे भी जेल से बाहर आने का यही एक बढ़िया तरीका है। इतना सुनते ही हर्ष खुश हो गया, एक बार जेल से बाहर आ जाओ तो तुमको सारा कान बताती हूँ, अभी यहाँ पर नहीं दीवारों के भी कान होते हैं। तभी हवलदार ने आकर हर्ष की माँ से बोला, मिलने का समय खत्म हुआ। हर्ष की माँ ने हर्ष की तरफ देखकर कहा, ठीक है मैं चलती हूँ, लेकिन ध्यान रखना इस बात को किसी से कहना नहीं। एक तरफ हर्ष की माँ हर्ष से मिलकर जेल से वापस जा रही है तो दूसरी तरफ कुछ देर में वानी और वानी की माँ जेल पहुंचकर इंस्पेक्टर से मिली और इंस्पेक्टर से बोली, इंस्पेक्टर साहब हम हर्ष को छुड़ाने आए हैं। इंस्पेक्टर ने जैसे ही वानी की बात सुनी परेशान हो गए और वानी की माँ को देखा, फिर बोले, हर्ष को छुड़ाने आए हैं लेकिन क्यों, आप तो जानती है कि उसने क्या किया है। इस पर वानी की माँ ने इंस्पेक्टर को घूरते हुए कहा, हमें मत बताइए कि हमें क्या करना है या क्या नहीं, बस हम हर्ष को छुड़ाना चाहते हैं तो आप बता दीजिए क्या क्या फॉर्मेलिटी है ताकि हम जल्दी से जल्दी हर्ष को यहाँ से लेकर जा सके। इंस्पेक्टर वानी की माँ से बहुत शौक है और उसकी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। इंस्पेक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, देखिए पहली बात तो हर्ष को छोड़ा नहीं जा सकता, हाँ बेल हो सकती है लेकिन हर्ष के अरेस्ट के समय ही जो पेपर बनाए गए थे उसके अनुसार उसकी बेल नहीं हो सकती। इतना सुनते ही वानी और वानी की माँ हैरान रह गई और इंस्पेक्टर को लालच देते हुए कहा, आप हर्ष को छोड़ दें, आपकी जो भी सेवा होगी वो हम कर देंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर गुस्से में बोला, आप मुझे लालच दे रही हो, शर्म नहीं आई एक इंस्पेक्टर से इस तरह की बात करते हुए, आज के बाद दोबारा अगर आपने इस तरह की बात की तो कहीं ऐसा ना हो कि आप भी सलाखों के पीछे हो। इंस्पेक्टर के गुस्से को देखकर वानी और वानी की माँ सपका गई और बोली, हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रहे थे, हम तो एक रास्ता पूछ रहे थे कि किस तरह से हर्ष को छुड़ाया जा सके, ठीक है हम अपने लेवल पर देखते हैं क्या कर सकते हैं। और इतना बोलकर वानी और वानी की माँ पुलिस स्टेशन से निकल गई। इंस्पेक्टर वानी और वानी की माँ को पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हुए देखता रहा और उन लोगों के बाहर जाते ही इंस्पेक्टर ने मानव को कॉल मिलाई पर नो रिप्लाई गई। एक तरफ इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन से मानव को कॉल ट्राई कर रहा है तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा अपने घर पर परेशान इधर उधर घूम रहे हैं। परेशान रवि वर्मा ने खुद से सोचा, मैं किसी भी हालत में यशिका की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा, ये दोनों माँ बेटी पागलपन पर उतर आई हैं। इतना सोचते हुए मिस्टर रवि वर्मा ने यशिका को कॉल मिलाई। यशिका ने रवि वर्मा की कॉल देखी और घबराकर कॉल रिसीव की, फिर बोली, पापा क्या हुआ सब ठीक तो है ना। मिस्टर रवि वर्मा की आवाज़ भरा गई और वो बोले, क्या बताऊं बेटा क्या सही क्या गलत, तुम्हारी माँ और बहन ने लगता है सोच लिया है कि सबकी जिंदगी को नर बनाकर रहेंगी। यशिका मिस्टर रवि वर्मा की बात से परेशान हो गई और चिंता करते हुए बोली, ऐसा क्या कर रही हैं दोनों, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है पापा। यशिका की बात का जवाब देते हुए परेशानी में रवि वर्मा ने कहा, दोनों माँ बेटी बच्चे को बाप का नाम दिलवाने की कोशिश में लगी हुई हैं और इसलिए वानी इतनी देर से हर्ष और हर्ष के परिवार से मिलकर आई है। यशिका इतना सुनते ही सन्नाटे में चली गई और चौंक कर बोली, ये क्या कह रहे हैं आप पापा, ऐसा कैसे हो सकता है। मिस्टर रवि वर्मा ने बुझी हुई आवाज में आगे कहा, और तो और बेटा हर्ष की माँ ने बच्चे को अपनाने के लिए शर्त भी रख दी। यशिका ने हैरानी से पूछा, क्या है वो शर्त। रवि वर्मा मायूसी के साथ बोले, मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है बेटा, तुझे पता नहीं सुनकर कैसा लगेगा। यशिका ने मिस्टर रवि वर्मा की बात को पूरा होने से पहले ही रोका, आप मुझे शर्त बताइए पापा, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। मिस्टर रवि वर्मा ने दुखी मन से यशिका को बताया, हर्ष को जेल से छुड़ाना। इतना सुनते ही यशिका का माथा ठनका और यशिका मिस्टर रवि वर्मा से बोली, ये कैसे हो सकता है जबकि वानी और माँ दोनों ही जानती हैं कि उसने कंपनी में कितना बड़ा ड्रग सप्लाई का घोटाला किया है जिसकी वजह से हमारी कितनी बदनामी हुई है। मिस्टर रवि वर्मा परेशान होते हुए बोले, तुम ठीक कह रही हो बेटा लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इन दोनों की बुद्धि पर कैसे पत्थर पड़ गए कि कुछ सुनना और समझना ही नहीं चाह रही। मिस्टर रवि वर्मा की बात पर अफसोस जाहिर करते हुए यशिका ने कहा, पापा मानव कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेगा, आज वो इन लोगों की वजह से परेशान है लेकिन बताता नहीं। मिस्टर रवि वर्मा यशिका की बात से परेशान होते हुए बोले, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, इन दोनों की बात में आने की कोई जरूरत नहीं, पहले अपना घर बचाओ बाद में दूसरों की सोचो, बड़ी मुश्किल से अभी तुम्हारे जीवन में थोड़ा सुख आया है और इन दोनों वानी और वानी की माँ की बेवकूफी की वजह से फिर से परेशानियों में घिरने की जरूरत नहीं। यशिका ने थोड़ी टेंशन वाली आवाज में मिस्टर रवि वर्मा से कहा, देखा जाए तो इन सब परेशानियों के पीछे भी तो वानी का ही हाथ है, उसने बिना कुछ सोचे समझे हर्ष को मानव से मिलवाया और मानव इन लोगों पर विश्वास कर आज कितनी बड़ी परेशानी में फंस गया। यशिका की बात सुनकर मिस्टर रवि वर्मा सिर पकड़ कर बैठे और यशिका ने कॉल कट कर दी। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा अपने घर पर सिर पकड़े बैठे हैं तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन से निकलकर वानी और वानी की माँ मानव की ऑफिस पहुंची और जाकर रिसेप्शन पर रिसेप्शनिस्ट से कहा, मानव को बोलो हम लोग मिलना चाहते हैं। रिसेप्शनिस्ट ने वानी की माँ से कहा, साहब का ऑर्डर है अभी कोई नहीं मिल सकता। रिसेप्शनिस्ट को लताड़ते हुए वानी की माँ ने कहा, जानती नहीं हो हम कौन है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें मिलने से मना करने की। रिसेप्शनिस्ट ने नरम आवाज में कहा, मैम आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं जानती हूँ आप यशिका मैम की मम्मी है लेकिन मानव सर ने कहा है कि चाहे कोई भी हो अभी वो किसी से नहीं मिल सकते। रिसेप्शनिस्ट की बात पर वानी ने गुस्से में कहा, हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं तुम उनको जाकर बोलो कि वानी मिलने आई है। हार कर रिसेप्शनिस्ट को मानव के केबिन में जाना पड़ा और उसने हिचकते हुए मानव से कहा, सर आपने कहा था कि आप अभी किसी से नहीं मिल सकते लेकिन बाहर वानी मैम और उनकी मम्मी है और वो नाराज़ हो रही है,
उनको अभी मिलना है। रिसेप्शनिस्ट की बात से मानव चौंका और उसने ध्यान से रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और बोला, क्या कहा तुमने? वानी और वानी की मम्मी। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए कहा, यस सर। मानव ने कुछ सोचते हुए रिसेप्शनिस्ट से कहा, ठीक है, उन्हें अंदर आने दो। रिसेप्शनिस्ट ने बाहर जाकर वानी और वानी की माँ से कहा, आप दोनों अंदर जा सकती हैं। इतना सुनते ही दोनों के चेहरे पर मुस्कान की लहर दौड़ गई। फिर घूरते हुए वानी की माँ ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा और मुंह बनाकर बोली, बड़ी आई थी रोकने वाली। रिसेप्शनिस्ट ने नजरें नीचे कर ली और वो दोनों मानव के केबिन की तरफ बढ़ गई। मानव के केबिन में पहुंचकर बड़ी ही नर्म आवाज में वानी की माँ बोली, मानव बेटा अंदर आ सकते हैं। मानव ने बेमन से कहा, आइए आइए, आपको पूछने की क्या जरूरत है, बैठिए। वानी की माँ ने बैठे हुए मानव की तरफ देखा और मुस्कुराई। मानव ने वानी की माँ की तरफ देखा और मन में सोचा, आज लगता है फिर कोई नया हंगामा करने आए हैं दोनों। फिर मानव ने वानी की तरफ देखते हुए कहा, कैसी हो वानी तुम? वानी ने फीकी सी मुस्कान के साथ मानव की तरफ देखा और कहा, बस जीने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लोग हैं कि उन्हें इन बातों से भी परेशानी है। वानी का जवाब मानव को ठीक नहीं लगा और उसने अपने आप से कहा, पता नहीं ये दोनों आज मुझसे क्या चाहती हैं। फिर वानी की तरफ ध्यान से देखा। मानव को अपनी तरफ इस प्रकार देखते हुए वानी थोड़ा असमंजस में पड़ गई। तभी वानी की माँ ने वानी को आंखों से इशारा किया, लेकिन अपनी माँ का इशारा समझते हुए वानी ने धीरे से ना में गर्दन हिला दी। फिर वानी की माँ ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला। अभी वानी की माँ मानव से कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी रिसेप्शनिस्ट ने आकर मानव से कहा, सर बाहर मिस्टर डांडेकर आए हैं। मानव ने रिसेप्शनिस्ट की तरफ देखा, फिर दिमाग पर जोर डालते हुए कहा, अभी मैं बिजी हूँ, उनको बोलो एक घंटे बाद मिलेंगे। मानव का जवाब सुनकर रिसेप्शनिस्ट वहां से चली गई। फिर मानव ने वानी की माँ से कहा, आप कुछ कह रही थी? वानी की माँ ने हाँ में सिर हिलाया और कहने के लिए भूमिका बांधनी शुरू की। वो बोली, वो दरअसल मानव बेटा तुम तो जानते ही हो कि वानी का रिश्ता छूट गया, और क्यों छूटा वो भी तुमसे छुपा नहीं। मानव ने हामी में से हिलाया और कहा, कोई नई बात कीजिए, ये तो अब हो चुका। मानव की बात सुनकर वानी की माँ ने हिचकिचाने का ड्रामा करते हुए कहा, दरअसल बेटा। वानी की माँ अभी और कुछ बोलती उससे पहले ही मानव के मोबाइल की फिर से घंटी बजी और मोबाइल उठाते हुए मानव ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, प्लीज एक्सक्यूज मी, और इतना बोलकर एक मिनट के लिए अपने केबिन से बाहर चला गया। मानव के केबिन से बाहर जाते ही वानी की माँ ने वानी से कहा, इस तरह चुपचाप से बैठे रहने से काम नहीं चलेगा, मैंने तुम्हें इशारा भी किया था, तुमने मानव से कुछ क्यों नहीं कहा? तुम्हारे कहने और मेरे कहने में फर्क है, इस टाइम तुम सिंपैथी कार्ड खेल सकती हो। अपनी माँ की बात पर वानी ने माँ की तरफ देखा और कहा, वो जो मुझे खेलना होगा मैं अपने आप खेलूंगी, आप बात तो शुरू कीजिए। अभी वानी और वानी की माँ आपस में बात कर ही रहे थे कि मानव केबिन में वापस आ गया और मानव ने अपनी कुर्सी खींची और उस पर बैठे हुए पूछा, हाँ तो आप क्या कह रही थी? जैसे ही वानी की माँ ने अपने दिल की बात बोलनी शुरू की तभी मानव के मोबाइल की एक बार फिर से घंटी बजी और मानव ने दोनों की तरफ तिरछी नजरों से देखा, फिर अपना मोबाइल उठाया। पुलिस स्टेशन से कॉल देकर मानव ने कॉल रिसीव की और इंस्पेक्टर की बात सुनते ही शॉक रह गया। मानव इंस्पेक्टर की किस बात से शॉक है? क्या यशिका वानी और वानी की माँ किरण की बात के आगे झुक जाएंगी और वो हर्ष की बेल करा देंगी? जैसे ही मानव ने कॉल रिसीव की इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर मानव आपको एक जरूरी बात बतानी थी। मानव ने धीरे से पूछा, क्या? इस पर इंस्पेक्टर ने कहा, आज पुलिस स्टेशन वानी और वानी की माँ आए थे, वो हर्ष को छुड़ाना चाहते थे। इतना सुनते ही मानव हैरान रह गया और उसने गोलमोल शब्दों में इंस्पेक्टर से कहा, आप ऐसा कोई भी काम मत करिएगा, ये नहीं हो सकता, गलत है ये। इस पर इंस्पेक्टर ने मानव से कहा, नहीं नहीं आप जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा। फिर मानव ने कॉल कट कर दी और फिर वानी की माँ की तरफ ध्यान से देखते हुए कहा, आज आप लोग यहाँ पर कैसे, कोई खास बात? वानी की माँ ने मानव की तरफ देखा और बोली, मानव बेटा दरअसल बात ऐसी है कि उस दिन जो कुछ भी हुआ सब तुम्हारे सामने है और समाज में हमारी बदनामी भी बहुत हुई, अब हम और बदनामी नहीं चाहते, मैं चाहती हूँ कि वानी को अब बच्चे के बाप के नाम की पहचान मिल जाए। और इतना बोलकर वानी की माँ चुप हो गई। फिर मानव के चेहरे की तरफ ध्यान से देखने लगी। मानव ने माथे पर बल डालते हुए उनकी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोला, वो तो सही है कि सब जगह बदनामी हुई, लेकिन इतना तो आप मानेंगी कि इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों का फॉल्ट रहा, आप दूसरे तरीके से भी इस बात को हैंडल कर सकती थी, लेकिन जो आपने तरीका अपनाया वो गलत था, इस तरीके से सबके लिए बदनामी और जलालत से आई। मानव की इस बात पर वानी की माँ चुपचाप बैठी रही। फिर मानव से बोली, खैर जो भी हुआ मुझे इस डिबेट में नहीं पड़ना, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि बच्चे को उसके बाप के नाम की पहचान मिले, इसलिए तुम हर्ष को जेल से रिहा करवा दो। मानव वानी की माँ की बात सुनकर शॉक रह गया, हैरानी के साथ वानी की माँ की तरफ देखते हुए कहा, ये क्या बोल रही हैं आप नहीं जानती कि उसे कंपनी में कितना बड़ा फ्रॉड किया, उसके बाद भी आप ये चाहती हैं कि मैं उसे जेल से रिहा करवा दूं? ऐसा कभी नहीं होगा, शायद आप भूल रही हैं कि मैं गलत बात का साथ कभी नहीं देता। इतना सुनते ही वानी की माँ नाराज हो गई और बोली, वैसे तो आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा नहीं, वानी के बच्चे को उसका हक दिलाने के लिए मैं एक बार तुम्हारे पास आई, लेकिन मुझे समझ में आ गया कि तुम कैसे व्यक्ति हो, जब यशिका बिन ब्याही माँ बनी थी तो उसने भी बहुत परेशानियां झेली, लेकिन हमारे मन में कहीं ना कहीं ये सुकून था कि तुम उसके साथ हो, जरा एक बार वानी की तरफ देखो, उसके साथ कौन है, सारा समाज उसके अगेंस्ट खड़ा है। इस पर मानव ने माथे पर बल डालते हुए कहा, तो क्या यशिका ने अकेला पर नहीं चला, क्या समाज ने यशिका का साथ दिया? वानी की माँ मुंह बनाते हुए बोली, मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि तुम यशिका की पैरवी करो, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो और तुम्हारे बुरे दिनों में हम तुम्हारे साथ खड़े थे, तो आज हमारी परेशानी के समय तुम भी हमारे साथ खड़े रहो, और वानी के लिए वानी की खातिर सिर्फ हर्ष को जेल से रिहा करवा दो, क्या तुम्हारे लिए बिजनेस से ज्यादा कुछ नहीं, उससे थोड़ा अलग हटते हुए सोचो। एक तरफ मानव के ऑफिस में मानव के कमरे में वानी और वानी की माँ मानव पर हर्ष को छुड़वाने के लिए प्रेशर बना रही हैं, तो दूसरी तरफ यशिका गुस्से में बजाज मैंशन से निकलकर कार से राहुल से मिलने उसके घर जा रही है। यशिका ने राहुल के घर की डोरबेल बजाई
राहुल ने दरवाजा खोला और यशिका को देखकर चौंक कर बोला, आ? यशिका ने सवालिया नजरों से राहुल की तरफ देखा और पूछा, क्यों, मैं नहीं आ सकती? राहुल ने ठंडा सा जवाब दिया, मेरा मतलब ये नहीं था, मैं पूछना चाह रहा था आप यहाँ क्यों आई हैं? यशिका ने राहुल की तरफ लगातार देखते हुए कहा, मुझे वाणी के सिलसिले में तुमसे बात करनी है, टाइम मिल सकता है तुम्हारा? राहुल ने लंबी सांस भरी और बोला, वो चैप्टर क्लोज हो चुका, अब मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। राहुल की बात से यशिका को थोड़ा धक्का लगा, लेकिन एक उम्मीद के साथ उसने राहुल से कहा, चैप्टर ऐसे ही क्लोज नहीं हो जाते, थोड़ा समझदारी से काम लेना पड़ता है, जो तुमने नहीं लिया और वाणी को गलत समझा। राहुल ने चिढ़ते हुए कहा, ओ तो आप यहाँ वाणी की बात भी करने आई हैं, बावजूद इसके कि उसने क्या किया, मुझे झूठ से परेशानी है, मुझे पहले ही बता देती तो शायद कोई और रास्ता मिल जाता, मैं इस तरह के कैरेक्टर वाली लड़की से शादी नहीं कर सकता। यशिका ने हैरानी से राहुल की तरफ देखा और पूछा, कैरेक्टर ऐसी क्या खराबी है उस कैरेक्टर में? और रही बात झूठ की, तो एक झूठ तो तुमने भी बोला है राहुल। इतना बोलकर यशिका चुप हो गई और राहुल की आंखों में झांका। राहुल ने अपनी आंखों को यशिका से बचाते हुए इधर उधर देखा और हड़बड़ाकर कहा, झूठ, और मैंने कौन सा झूठ बोला है, ये कैसी बात कर रही हैं आप जा सकती हैं, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। यशिका ने राहुल को घूर कर देखा और कहा, थोड़ा दिमाग से काम लेना चाहिए, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जिसे बनाया जा रहा है, वाणी एक अच्छी लड़की है, गलती किसी से भी हो सकती है, तुम वाणी को अपना लो, वाणी तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाएगी। राहुल ने यशिका की इस बात का मजाक बनाते हुए कहा, ओह रियली, आपको लगता है कि मैं उसे अपना लूंगा? मेरी जगह खुद को रखकर देखिए, जहां मैं खड़ा हूं अगर वहां आप होती तो क्या वाकई वाणी को अपना लेती? मानो दुनिया बदल रही है, लेकिन इतनी भी नहीं कि किसी दूसरे का पाप हम अपने से ले लें। अभी राहुल और यशिका आपस में बात कर ही रहे थे कि इसी बीच राहुल की माँ उसी रूम में आ गई और बोली, तुम यहां पर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यशिका ने उन्हें देखकर नरमी के साथ कहा, मुझे बात करनी थी राहुल से, इसलिए आई। राहुल की माँ ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, मेरा लड़का किसी बचलन और आवारा लड़की को अपनी जीवन साथी नहीं बना सकता, इसलिए कोई सी भी उम्मीदें पालना छोड़ दो, तुम यहां से जा सकती हो। राहुल की माँ की बात पर यशिका ने भी नाराजगी जताते हुए कहा, आप इस तरह से किसी के चरित्र पर उंगलियां नहीं उठा सकती, आप लोग भी दूध के धुले नहीं है। यशिका की बात सुनते ही राहुल और राहुल की माँ हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखने लगे। एक तरफ राहुल और राहुल की माँ यशिका की बात सुनकर हैरानी से यशिका के फेस को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ मानव की ऑफिस के बाहर कुछ मीडिया वाले इकट्ठे हो गए और वहाँ वॉचमैन ने मना करने पर भी मानव से बात करने की जिद कर रहे हैं। वॉचमैन ने घबराकर कंपनी का मेन डोर बंद कर दिया और मानव के रूम में आकर कहा, साहब बाहर मीडिया वाले इकट्ठे हो गए हैं और वो आपसे बात करने की जिद कर रहे हैं। वॉचमैन की बात सुनते ही मानव के माथे पर बल पड़ गए और उसने कुछ सोचते हुए वॉचमैन से कहा, कह दो साहब बिजी है, मुझे अभी किसी से कोई बात नहीं करनी, वो लोग जा सकते हैं। मानव की बात सुनकर वॉचमैन ने हामी में से हिलाया और बाहर जाकर मीडिया कर्मियों को बोला, प्लीज आप किसी और समय आ जाइएगा, साहब की मीटिंग चल रही है, इस समय आपसे बात नहीं कर सकते। इतना सुनते ही एक मीडिया कर्मी ने कहा, हम भी कोई खाली नहीं है, अपना काम ही करने आए हैं, हमें कुछ सवालों के जवाब चाहिए, उसके बाद मिस्टर मानव को जो करना है वो करे। और इतना बोलकर मीडिया वाले डोर खोलने की जिद करने लगे। वॉचमैन ने उनको रोकने के लिए कहा, देखिए आप इस तरह से नहीं कर सकते, आपको बताया साहब बिजी है, आप या तो कुछ देर के लिए यहां शांत बैठ जाएं वरना आप जा सकते हैं। मीडिया वाले अभी शोर मचा ही रहे थे कि उनमें से एक का ध्यान पार्किंग में खड़ी वाणी की कार की तरफ गया और उसने अपने साथियों से कहा, अच्छा और मसालेदार न्यूज के लिए यहां वाणी भी है, देखो यहां उसकी कार खड़ी है। एक तरफ मानव के ऑफिस के बाहर मीडिया वाले मानव से बात करने की जिद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल के घर पर राहुल और राहुल की माँ की कड़वी बातों का जवाब देते हुए यशिका ने ताना मारते हुए कहा, आप लोग जो भी बोल रहे हैं सोच समझ कर बोलिएगा, ये मत भूलिए कि अगर एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी चार उंगली अपनी तरफ ही उठती है। यशिका की इस बात को सुनते ही राहुल की माँ को बहुत बुरा लगा और उनके तन बदन में आग लग गई। उन्होंने घूर कर यशिका को देखा और बोली, तुम्हें समझ भी है तुम क्या कह रही हो? यशिका ने माथे पर बल डाली और फीकी सी स्माइल पास की, फिर राहुल की माँ की तरफ देखते हुए कहा, मैं जो भी बोलती हूँ सोच समझ कर ही बोलती हूँ, और इस समय भी जो भी मैंने कहा है अपने पूरे होशो हवास में कहा। अपनी माँ की इंसल्ट होते हुए देख राहुल को गुस्सा आ गया और उसने यशिका से गुस्से में कहा, आप इस तरह से हमारे ऊपर एलिगेशन नहीं लगा सकती। इतना सुनते ही यशिका मुस्कुराई और बोली, एलिगेशन, मैंने तो कोई एलिगेशन नहीं लगाए, मैंने सिर्फ आईना दिखाने की कोशिश की है राहुल। राहुल ने तुलकते हुए कहा, ये एलिगेशन सही है तो और क्या है? राहुल की इस बात पर यशिका ने बहुत ही सॉफ्ट आवाज में राहुल से कहा, क्या वाकई तुमने कोई झूठ नहीं बोला? यशिका के इतना कहते ही राहुल और राहुल की माँ ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर राहुल ने मन ही मन सोचा, किस झूठ की बात कर रही है ये? फिर राहुल ने यशिका की तरफ हैरानी से देखा। राहुल के रिएक्शन पर यशिका मुस्कुराई और बोली, मैं आपकी एक्स वाइफ से मिलकर आ रही हूँ। एक्स वाइफ का नाम सुनते ही राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने हैरानी के साथ यशिका की तरफ देखा। यशिका ने राहुल के फेस एक्सप्रेशन को समझते हुए कहा, क्या आप अभी कहेंगे कि झूठ एक तरफा है? अगर उसने झूठ बोला है तो आपने भी बहुत बड़ी बात छुपाई है। यशिका के इतना कहते ही वहां रूम में सन्नाटा छा गया। राहुल और राहुल की माँ एक दूसरे की तरफ देखने लगे। एक तरफ यशिका राहुल को राहुल के घर पर समझाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ मानव की ऑफिस में मानव ने वाणी और वाणी की माँ से कहा, आप जानती है ना हर्ष ने सबको कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया, बाहर ये जो मीडिया कर्मियों की आवाज आ रही है ये भी सब हर्ष का क्या करा है? मानव की बात सुनते ही वाणी नाराजगी के साथ बोली, क्या हर बात का दोष हर्ष का ही है? आप नहीं बोलेगा? वाणी की बात सुनते ही मानव को तैश आ गया और मानव ने गुस्से में पूछा, मेरा दोष? सही कह रही हो वाणी, मेरा दोष ही है ना, मैंने तुम पर ट्रस्ट किया, ना मैं तुम पर ट्रस्ट करता ना मैं हर्ष को नौकरी देता, सिर्फ तुम्हारे कहने से मैं हर्ष से मिला और उस इन्वेस्टर से मिला और आज इतनी बड़ी परेशानी में फंस गया हूं, इस बात का मैं क्या मतलब समझूं? क्या तुम भी हर्ष के साथ मिली हुई थी? क्या ये सब पूरी प्लानिंग थी? तुमने क्या कहा था उस दिन जब तुमने मुझे हर्ष से मिलवाया था? वाणी ने मानव की बात सुनते ही मानव की तरफ घूर कर देखा। मानव ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, यही ना कि ये मेरा बहुत अच्छा कॉलेज का दोस्त है और तुम्हारी हेल्प के लिए आगे आया है, ये मेरी हेल्प के लिए आगे आया था या अपने स्वार्थ के लिए? अभी मानव कुछ कहता बीच में वाणी की माँ बात काटते हुए बोली, पुरानी गड़े मुर्दे उखाने से कोई फायदा नहीं, सारी बातें छोड़ो मानव, तुम बताओ तुम वाणी का साथ दोगे या नहीं? मानव ने माथे पर बल डालते हुए वाणी की माँ की तरफ देखा और दोनों की तरफ ध्यान से देखते हुए एक सांस में कहा, नहीं मैं गलत बातें किसी का साथ नहीं दूंगा, मैं किसी गुनहगार की कोई मदद नहीं कर सकता। इतना सुनते ही वाणी की माँ गुस्से में बोली, क्या इंसानियत के नाते भी तुम ऐसा नहीं कर सकते?
तुम तो जानते हो कि वानी इस समय कितनी बड़ी मुसीबत में है। कौन पकड़ेगा इसका हाथ, कौन करेगा इससे शादी? कम से कम तुम तो अपने हो, तुम तो हमारी परेशानी समझो। वानी की माँ की बात सुनते ही मानव हंसा और बोला, क्या आपने कभी हम लोगों की परेशानी समझी? काश आपने यशिका को अपनी बेटी माना होता तो आज आप हमसे ये सवाल नहीं कर रही होती। अभी मानव वानी और वानी की माँ से ये सब बोल ही रहा था कि बाहर से मीडिया वालों की आवाज आने लगी। मिस्टर मानव, कहाँ छुपे बैठे हो? बाहर आकर हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देते? आपकी कंपनी में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप नहीं जानते हो? अगर बात नहीं करी तो इसका मतलब हम यही समझे कि इन सब में आपका हाथ है। इन आवाजों के बाद मानव ने वानी और वानी की माँ की तरफ नाराजगी के साथ देखा और कहा, है जवाब इन सब बातों का आपके पास? किस किस का मुंह बंद करोगे आप? और इन सब बातों के लिए असली गुनहगार को तो सजा मिलनी ही चाहिए। अभी मानव नाराजगी के साथ वानी और वानी की माँ के साथ बात कर ही रहा था कि तभी मानव की ऑफिस के रूम का दरवाजा खुला। वानी और वानी की माँ ने पीछे मुड़कर देखा और चौंक गई। मानव की ऑफिस में कौन आया था जिसे देखकर वानी की माँ और वानी चौंक गए? क्या राहुल यशिका की बात मानेगा? क्या मानव हर्ष को छुड़वाने के लिए मान जाएगा? वानी और वानी की माँ ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, सामने मिस्टर रवि वर्मा को खड़ा देख हैरान हो गई और हैरानी से वानी की माँ बोली, आप यहाँ कैसे? वानी की माँ की बात सुनकर गुस्से में मिस्टर रवि वर्मा ने कहा, क्यों नहीं आना चाहिए था, बुरा लगा? रवि वर्मा की बात सुनकर वानी की माँ सकपकाते हुए बोली, मैंने कब कहा? वानी की माँ को रवि वर्मा ने घूरते हुए कहा, शक्ल से तो ऐसा ही लग रहा है, झूठ क्यों बोल रही हो? और इतना कहकर फिर रवि वर्मा ने वानी की तरफ देखा। वानी ने दूसरी तरफ नजरें घुमा ली। मिस्टर रवि वर्मा गुस्से में दोनों को घूरते हुए बोले, आज तुम्हें मानव अपना लग रहा है, अब से पहले कभी तुमने मानव को अपना माना है? किस मुंह से आई हो इधर? रवि वर्मा के इतना बोलते ही वानी की माँ चिढ़ गई और बोली, अपना नहीं माना होता तो घर में रुक जाते ये लोग इतने समय तक, घर पर रहे तो तब हम अपने नहीं थे। रवि वर्मा इस बात पर थोड़ा तेज आवाज में वानी की माँ से बोले, पता भी है क्या बोल रही हो? मतलब तुम एहसान दिखा रही हो और उस टाइम ये वहाँ रहे तो उसके बदले में उनको इतनी बड़ी सजा दे रही हो? वानी दोनों को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाइए आप दोनों, ना मौका देखते हैं ना जगह, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। मैं अकेली आ जाती तो ही काफी था, वैसे भी मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपना काम खुद कर लूंगी, आप ही घर जाइए मां, मुझे फालतू का बतंगड़ पसंद नहीं। एक तरफ मानव की ऑफिस में वानी की माँ और मिस्टर रवि वर्मा के बीच में कहासुनी हो रही है तो दूसरी तरफ राहुल के घर पर राहुल यशिका पर नाराज हो रहा है। उसने नाराजगी के साथ यशिका से कहा, आप अपनी बहन को डिफेंड कर रही हैं और इसी वजह से आप उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रही हैं। राहुल की बात पर यशिका ने राहुल की तरफ ध्यान से देखा और कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि राहुल ने कहा, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। शादी से पहले मैं वानी से 2-3 बार मिला भी और मैंने उसे पूरा मौका दिया अपने दिल की बात शेयर करने के लिए, लेकिन उसने जरूरत नहीं समझी। शायद उसने मुझे कुछ बताया होता या थोड़ा सा हिंट भी दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती। उसने मुझे नहीं बताया, इसी बात से साफ है कि वो दिल की साफ नहीं, उसके मन में चोर था। अगर समझदारी से काम लेती तो परिवार बदनामी से बच जाता। आप लोगों से रिश्ता जोड़कर हमारी इतनी बदनामी हुई है कि हम बता नहीं सकते। यशिका ने बीच में बात करते हुए कहा, आपकी क्या बदनामी हुई? आप तो अपनी नाकूंची करके चले आए वहां से। राहुल ने मुंह बनाते हुए कहा, आपको समझ नहीं आएगा, मैं इस बात को कभी नहीं भूल सकता, अब आप यहां से जा सकती हैं। यशिका हार कर वहां से वापस चल दी। एक तरफ यशिका दुखी मन से राहुल के घर से बाहर निकल रही है तो दूसरी तरफ मानव के ऑफिस में मानव ने वानी और वानी की माँ से कहा, माफ कीजिएगा आप लोग मुझसे जो चाहते हैं वैसा नहीं हो सकता, आप लोग प्लीज यहाँ पर कोई तमाशा ना खड़ा करें, पहले ही बाहर मीडिया वालों ने शोर मचा रखा है, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। आप एक बार ठंडे दिमाग से सारी बात घर जाकर सोचिएगा, हो सकता है जब आप ठंडे दिमाग से मेरी बात पर ध्यान करें तो आपको मेरी बात सही लगे। अभी आप गुस्से में हैं इसलिए मेरा कुछ भी कहना बेकार है, आपको मेरी कही हुई हर बात गलत लगेगी। मानव की बात के जवाब पर वानी और वानी की माँ ने मुंह बनाते हुए मानव की तरफ देखा और फिर वानी की माँ ने वानी से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ आने से कोई फायदा नहीं होगा, बेकार ही उम्मीद लेकर चले आए। वानी की माँ की बात पर रवि वर्मा ने मानव के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मानव बेटा माफ करना, पहले ही हमारी वजह से आप लोगों को भी बहुत शर्मिंदा होना पड़ा और ये दोनों तो जैसे अकल ही बेच खाई है, कुछ भी करने से पहले ना कुछ समझ आ रहा है और ना ही ये लोग समझने की कोशिश कर रही है, अकल पर जैसे ताले पड़ गए हो। और फिर उन दोनों की ओर घूर कर देखा और इशारे से मानव के ऑफिस से निकलने के लिए कहा। जैसे ही तीनों लोग मानव के ऑफिस रूम से निकले, मानव शॉक अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर मानव ने यशिका को कॉल मिलाई। एक तरफ मानव यशिका को कॉल मिला रहा है तो दूसरी तरफ यशिका अपनी कार से बजाज मैंशन की तरफ जा रही है। तभी यशिका के मोबाइल की घंटी बजी। यशिका ने मानव का कॉल देखकर कॉल रिसीव की। यशिका के कॉल रिसीव करते ही मानव ने कहा, यशिका कहाँ पर हो तुम? यशिका ने कहा, बस मानव राहुल से मिलने उसके घर आई थी। क्यों, क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? मानव ने बुझी हुई सी आवाज में कहा, कुछ नहीं बस ऐसे ही। यशिका ने मानव की बात पर कुछ सोचते हुए कहा, कोई तो बात है मानव जो तुम्हें इतना परेशान कर रही है? यशिका की बात का जवाब देते हुए मानव ने यशिका से कहा, आज वानी और उसकी माँ यहाँ ऑफिस में आए थे। यशिका के मुंह से निकला, क्या, लेकिन क्यों? फिर मानव ने ऑफिस में हुई सारी बातें यशिका को बताई, जिसे सुनते ही यशिका सकते में आ गई। एक तरफ मानव की बात सुनकर यशिका परेशान है तो दूसरी तरफ जैसे ही मिस्टर रवि वर्मा वानी और वानी की माँ ऑफिस से बाहर निकले तो बाहर खड़े मीडिया वालों ने उन्हें आता हुआ देखकर घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। एक मीडिया वाले ने पूछा, वानी जी बताइए ना कि आपकी शादी क्यों टूट गई? इसी बीच दूसरे ने कहा, हमने तो ये भी सुना है कि आप प्रेग्नेंट है, बताइए इसमें कितनी सच्चाई है? तभी दूसरे ने पूछा, आप आज यहाँ मानव जी से मिलने क्यों आए हैं, कहीं इसके पीछे कोई और कारण तो नहीं? एक के बाद एक मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं लेकिन वानी और वानी की माँ चुप है। मिस्टर रवि वर्मा ने मीडिया वालों के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, अभी हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए। मिस्टर रवि वर्मा की बात पर एक मीडिया वाले ने हंसते हुए कहा, हाँ बड़े लोगों का भी सही है, पहले सारे कांड करते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं कि वक्त आएगा तो पता चल जाएगा। मिस्टर रवि वर्मा उस मीडिया वाले की बात पर कुछ कहते उससे पहले ही एक मीडिया वाले ने ढिटाई से पूछा, कम से कम आप बच्चे के बाप का नाम ही बता दीजिए।
मिस्टर रवि वर्मा बिना कुछ बोले उस भीड़ को चीरते हुए कार में बैठने लगे। कार में बैठने से पहले उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वानी और वानी की माँ भी तब तक अपनी कार में बैठ चुके थे। और फिर मिस्टर रवि वर्मा ने कार को दौड़ाना ही ठीक समझा। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा, वानी और वानी की माँ मीडिया वालों के सवालों से बचते हुए अपनी अपनी कारों से वापस घर की तरफ जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ दादाजी मानव के ऑफिस के रूम में आकर मानव से बोले, बेटा कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? मानव ने बात छुपाते हुए कहा, हाँ सब ठीक है। मानव के चेहरे को पढ़ते हुए दादाजी ने कहा, बेटा बुरा मत मानना, लेकिन अभी जब तुम यशिका से बात कर रहे थे मैं इस बीच तुम्हारे कमरे में आ ही रहा था और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मानव ने दादाजी की बात सुनकर नजरें चुराते हुए कहा, मैंने आपको परेशान करना ठीक नहीं समझा। दादाजी मानव के करीब आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, मैं तुम्हारे मन की स्थिति समझ सकता हूँ, क्या करना है ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन कहीं इन झगड़ों की वजह से तुम्हारी अपनी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो जाए। मानव ने चौंककर दादाजी की तरफ देखा और कहा, नहीं ऐसा नहीं होगा, यशिका बहुत समझदार लड़की है। मानव की बात का जवाब देते हुए दादाजी ने कहा, बेटा पुरानी कहावत है, कितना ही आग से बचकर चलो फिर भी थोड़े बहुत लपट पकड़ ही लेती है। मानव ने दादाजी की बात ध्यान से सुनते हुए उनकी तरफ देखा और बोला, कभी कभी लगता है कि मैं उलझ कर रह गया हूँ। मानव को समझाते हुए दादाजी ने कहा, बेटा तभी तो मैं कह रहा हूँ, कुछ भी करके अपना और यशिका का रिश्ता मत बिगाड़ने देना, बाकी चीजें तो तुम संभालोगे, इसलिए बेहतर है कि तुम हर्ष को जेल से छुड़वा दो। मानव ने दादाजी की तरफ हैरानी से देखा और कहा, ये क्या कह रहे हैं आप, ये तो अपनी हार हुई ना दादाजी, जिसने कंपनी में इतना बड़ा फ्रॉड किया आज हम उसे उसकी शर्तों पर निकाल रहे हैं, ये सब उसकी सोची समझी चाल ही तो है, वानी की तो अकल पर पत्थर पड़ रहे हैं, रिश्ता टूटने के बाद उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। दादाजी मानव को समझाते हुए बोले, बेटा इसके अलावा कोई चारा नहीं, यशिका का परिवार तुम्हारा भी परिवार है और इन सब बातों का असर तुम्हारे मैरिज जीवन पर पड़ेगा। मानव को दादाजी की बात ठीक नहीं लगी। मानव ने थोड़ी नाराजगी के साथ दादाजी की बात को बीच में काटते हुए कहा, जहां तक मेरा मानना है दो लोगों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इन बातों से उनकी मैरिज लाइफ पर कोई फर्क ना पड़े, और रही बात यशिका की तो वो भी जानती है कहां पर किसकी कमी है और कौन गेम प्लान कर रहा है, और मैं किसी भी हाल में हर्ष को नहीं छोड़ना चाहता, रही बात मेरी मैरिज लाइफ की तो मैं उस पर असर नहीं आने दूंगा, आई प्रॉमिस दादाजी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। दादाजी ने मानव की बात पर एक बार फिर से समझाने की कोशिश करते हुए कहा, मैं केस वापस लेने की बात नहीं कर रहा मानव, मेरी बात समझने की कोशिश करो, वानी और वानी की माँ चाहते हैं कि हम हर्ष की बेल करा दें। मानव एकदम से नाराज हो गया और बोला, नहीं मैं बेल भी नहीं कराना चाहता, उसकी वजह से आप नहीं जानते कंपनी को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, एक बार फिर से मैं सबके सामने सवालों के घेरे में आ गया हूँ, पहले ही क्या परेशानियां कम थी। मानव की बात पर दादाजी ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और बोले, ठीक है, और इतना बोलकर कुछ सोचते हुए बोले, चलो मैं निकलता हूँ। एक तरफ दादाजी मानव से बात कर ऑफिस से बाहर निकल रहे हैं तो दूसरी तरफ मिस्टर रवि वर्मा जैसे ही अपने घर पहुंचे वो कार से उतर ही रहे थे कि तभी एक पड़ोसी ने आकर मिस्टर रवि वर्मा से कहा, समझ नहीं आता इतनी हिम्मत कहां से ले आते हैं आप जैसे लोग, बड़ी तो बड़ी अब तो छोटी भी दिन में आई मां बनने जा रही है। पड़ोसी की बात पर रवि वर्मा ने नाराज होते हुए कहा, आप लोगों को कुछ काम नहीं रह गया क्या, दूसरों के घरों में क्या चल रहा है क्या हो रहा है, टाका झाकी बंद करें। और इतना बोलते ही रवि वर्मा ने गुस्से में जोर से कार का दरवाजा बंद किया और पैर पटकते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। वानी और वानी की मां भी कार से उतरे और पड़ोसी से नजरें बचाते हुए अपने घर की तरफ चल दिए। इसी बीच वहां एक दो आसपास के लोग और इकट्ठे हो गए और आपस में बात करने लगे। एक पड़ोसी ने दूसरे से कहा, ये क्या शरीफों का मोहल्ला रह गया, अगर इस तरह के लोग यहां पर रहेंगे ऐसे लोगों को तो यहां रहना ही नहीं चाहिए, हर रोज का एक नया बखेड़ा। तभी दूसरे ने कहा, हमें कुछ करना चाहिए, हमारे घर में भी बच्चे हैं और बेटियां हैं, इन सब बातों का असर उन पर भी पड़ता है। एक तरफ पड़ोसी आपस में मिस्टर रवि वर्मा के परिवार के लिए सब बातें कर ही रहे थे तो दूसरी तरफ वानी और वानी की माँ के घर में घुसते ही रवि वर्मा गुस्से में बोले, देखा अपनी करतूतों का नतीजा, तुम लोगों की वजह से कितनी जगह हंसाई हुई है, घर से बाहर निकलने लायक नहीं रह गया, तुम लोगों के एक गलत स्टेप ने सब लोगों को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। रवि वर्मा की बात पर मुंह बनाते हुए वानी की माँ ने कहा, शायद ऐसा ही पिछले कुछ महीनों में हमने भी फेस किया, वो आपकी प्यारी यशिका की वजह से। वानी की माँ की बात सुनकर रवि वर्मा ने वानी की माँ को घूर कर देखा और कहा, तुम लोगों ने इस समय जो भी सोचा है मैं उसके सख्त खिलाफ हूँ और ये बिल्कुल गलत है, वैसे भी बच्चे को बाप का नाम देना क्या इतना जरूरी हो गया कि एक मुजरिम से शादी करने को तैयार हो गई, कभी सोचा है इन सब बातों का असर तुम्हारे बच्चे के जीवन पर भी पड़ेगा। वानी ने परेशान होते हुए मिस्टर रवि वर्मा से कहा, आप चिंता ना करें, ये मेरा बच्चा है, मैं देख लूंगी कि मुझे उसको कैसा जीवन देना है, रही बात हर्ष की बेल कराने की तो वो मैं करा कर रहूंगी, चाहे मेरा साथ आप दें या ना दें। फिर वानी ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, और आपको भी मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। एक तरफ मिस्टर रवि वर्मा के घर पर वानी और मिस्टर रवि वर्मा में हर्ष के केस को लेकर बहस हो रही है तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर ड्रग्स केस की हियरिंग की फाइल के पेपर तैयार कर रहा है। तभी पुलिस स्टेशन के बाहर एक कार आकर रुकी, कार की आवाज से इंस्पेक्टर का ध्यान बाहर की तरफ गया। इंस्पेक्टर ने ध्यान से देखा, कार का दरवाजा खुला और कार से दादाजी को आता हुआ देख इंस्पेक्टर हैरान हो गया। इंस्पेक्टर ने मन ही मन सोचा, दादाजी यहाँ अचानक क्यों, कहीं ये भी तो हर्ष की बेल करने नहीं आए। दादाजी क्या वाकई हर्ष की बेल करवाना चाहते हैं, वानी और वानी की माँ क्या हर्ष की बेल करवाने में कामयाब हो पाएंगी। इंस्पेक्टर ने दादाजी को हैरानी से अपनी तरफ आता हुआ देख सोचा, मामला कुछ गंभीर लगता है, नहीं तो दादाजी इस तरह से यहाँ नहीं आते, मालूम करना पड़ेगा। फिर इंस्पेक्टर ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप यहाँ कोई खास काम? इंस्पेक्टर के सवाल पर दादाजी गंभीर फेस बनाते हुए बोले, इंस्पेक्टर साहब हर्ष की बेल कराने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी, कब तक उसको बेल मिल सकती है, प्लीज आप मुझे ये सब चीजें समझा दो। इंस्पेक्टर दादाजी की बात पर हैरान हो गया। फिर दादाजी की परेशानी को समझकर उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए दादाजी मुझे आपको सारा प्रोसीजर समझाने में कोई भी दिक्कत नहीं है,
पर बात दरअसल ये है कि इन सबसे कोई फायदा होने नहीं वाला। जब घर से ही कोई केस फाइल किया जाता है तो बेल होनी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। आप जरा केस भी तो देखिए, ये कोई आम केस तो है नहीं। आप क्या इस केस में मानव और यशिका जी भी कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। दादाजी इंस्पेक्टर की बात सुनकर थोड़ा उदास हो गए, पर थोड़ा सा घबराकर उन्होंने इंस्पेक्टर से फिर कहा, आप वो सब छोड़ो, फिर भी मुझे बता दो, मैं यूं इस तरह हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता। इंस्पेक्टर ने हामी में से हिलाया और हवलदार को इशारे से बुलाकर कहा, अरे दादाजी को बेल का प्रोसीजर समझा दो जरा। इतना बोलते हुए इंस्पेक्टर दादाजी की तरफ मुड़ा और बोला, दादाजी मैं थोड़ा सा दूसरे केस में बिजी हूँ, अंदर आपको ये हवलदार सारे प्रोसीजर समझा देगा। ऐसा कहकर इंस्पेक्टर अपने काम में लग गया और हवलदार ने दादाजी से कहा, आइए अंकल। फिर दादाजी को दूसरे रूम में ले गया। एक तरफ हवलदार दादाजी को पुलिस स्टेशन में बेल की फॉर्मेलिटी समझा रहा है तो दूसरी तरफ रवि वर्मा अपने घर पर वानी से बात कर रहे हैं। उन्होंने वानी को समझाते हुए कहा, तुम समझती क्यों नहीं हो वानी, तुम और यशिका दोनों ही मेरी बेटी हो, मैं तुम दोनों से एक साथ प्यार करता हूँ। तुमको क्या ये दिखता नहीं कि जब तुम्हें जरूरत थी मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा था, लेकिन आज तुम गलत हो। इन सबसे कुछ भी नहीं होने वाला, सब एक तरफ है, पर तुम इन मामलों में यशिका और मानव की फैमिली को क्यों घसीट रही हो, इतना कैसे तुम अपनी बहन से चिढ़ सकती हो। रवि वर्मा की बात सुनते ही वानी गुस्से से फट पड़ी और वानी चिढ़ते हुए बोली, कैसे बाप हो आप, यहाँ मेरी बारात वापस चली गई और आप अभी भी उस यशिका को फेवर कर रहे हो, और आप ये कहते हो कि आपके लिए मैं और वो एक जैसे हैं। आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रहे हो, आज मैं इस हाल में उस यशिका की वजह से हूँ। हर्ष को जेल हो गई, मेरी बारात वापस चली गई, घर से बाहर निकल नहीं सकती, हर कोई मुझे देखकर मेरे मुंह पर खिली उड़ाता है। इतनी इंसल्ट आपको फील नहीं हुई जो आप अभी भी मुझे ये कह रहे हैं कि इस मामले में उन दोनों को ना लाओ। आपने हमेशा से यशिका को ज्यादा वैल्यू दी है, मैं अब तक कुछ नहीं कह रही थी, पर अब नहीं, बात मेरी रिस्पेक्ट और मेरे बच्चे की है। रवि वर्मा वानी की बात सुनकर वहीं लिविंग रूम में सिर पकड़कर बैठ गए और फ्रस्ट्रेटेड होकर बोले, तुम्हें और तुम्हारी माँ दोनों को समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्यों तुम किसी के अच्छे भले घर को खराब कर रही हो, अभी इतनी मुश्किलों से सब ठीक हुआ है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स में फंस गए थे वो दोनों। रवि वर्मा की बात को बीच में काटते हुए वानी की माँ ने कहा, मत लेकर बैठो मानव कुरान, बहुत हुआ तुम्हारा। अपनी पत्नी की बात पर रवि वर्मा ने मन ही मन सोचा, दीवार के आगे सिर फोड़ने से कोई फायदा नहीं, वानी नहीं समझने वाली, उसके मन में ये जहर आखिर उसकी माँ का भरा हुआ है। इतना सोचते हुए रवि वर्मा ने एक बार वानी की माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भी बेकार गई। गुस्से में रवि वर्मा ने कहा, तुम कौन सी कम हो, वानी को उल्टी पट्टी पढ़ाने वाली भी तो तुम ही हो, मैं बेकार ही तुमसे किसी अच्छी बात की उम्मीद कर बैठा। फिर परेशान रवि वर्मा ने अपने आप से कहा, इस लड़की ने तो मेंटल पीस बिल्कुल खत्म ही कर दी है, क्या ही प्लानिंग थी मेरी और इसने किस तरह से सब पर पानी फेर दिया, अब तो अपनी परवरिश पर शक होता है। सही कहा है किसी ने, लाइफ वैसी चलती है जैसा किस्मत में लिखा हो, पर ये वक्त किस्मत के बारे में सोचने का नहीं है, इसे इस बच्चे के लिए बाप का नाम चाहिए, बाकियों का बिल्कुल नहीं सोच रही। ये सब सोचते हुए रवि वर्मा वहां से उठे और अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में जाकर उन्होंने यशिका को कॉल मिलाई और यशिका को सारी बात बताई, जिसे सुनते ही यशिका सकते में आ गई और मिस्टर रवि वर्मा को समझाते हुए बोली, वानी को कैसे ही कोई समझा सकता है पापा, उसे तो बस अपने सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। रवि वर्मा यशिका की बात पर अफसोस जाहिर करते हुए बोले, यशु बेटा मैंने सच में बहुत कोशिश की उसको समझाने की, पर वो कुछ बोलते उससे पहले ही यशिका ने बीच में बात काटते हुए कहा, मैं जानती हूँ पापा, प्लीज आप मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैंने उसको अच्छे से देखा है, मेरे साथ जो किया सो किया, पर अब मैं भी बर्दाश्त नहीं करूंगी, बात मानव और मेरे बच्चों की है, इतनी तकलीफें उठाई हैं मानव ने और अब ये हर्ष की वजह से हम दोनों को फिर से सड़क पर लाना चाहती है। खैर सुबह सोचते हैं क्या करना है, रात बहुत हो गई है, ऐसे में तो उसकी बेल नहीं हो पाएगी, आप सो जाओ मैं देखती हूँ कुछ तो करूंगी। यशिका ये कहते हुए कुछ सोचने लगी और सोचते हुए मिस्टर रवि वर्मा से बोली, आप बस मेरा एक छोटा सा काम और कर देना, वानी पर थोड़ी नजर रखना और माँ पर भी, ये लोग कुछ भी गलत कदम उठाए उससे पहले ही हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, आपको ऐसा कुछ भी शुभ हो तो प्लीज मुझे बताइएगा, प्लीज पापा आप मेरा और मानव का साथ दो, हम गलत नहीं है। यशिका जितना शांत खुद को इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रही है, रवि वर्मा जानते हैं कि वो काफी परेशान है, इसलिए रवि वर्मा ने यशिका को थोड़ा कूल करते हुए कहा, मैं जानता हूँ बेटा, मुझे सब पता है, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं। इतना कहकर रवि वर्मा ने कॉल कट कर दी। यशिका कॉल कट होते ही खुद से बोली, ये दोबारा से कैसी परेशानी आ गई है, बड़ी मुश्किल से सब ठीक होने लगा था, अब वापस फिर वही सब, समझ में नहीं आता क्या करूं, और ये वानी जैसे इसने ना मानने की ठानी है। अभी यशिका सोच ही रही थी कि इसी बीच मानव ने कमरे में कदम रखा और यशिका को सोच में पड़ा हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ यशिका, किस गहरी सोच में डूबी हुई हो, सब ठीक तो है ना। यशिका ने मानव की तरफ देखकर आंखों में आंसू लिए मानव को सारी बात बताई। यशिका की बात सुनकर मानव सोच में पड़ गया। मानव कुछ कहता इससे पहले ही यशिका बोली, कोशिश करती हूँ कल उनसे बात करने की, अगर आज समय होता तो मैं आज ही जाती। मानव ने यशिका की तरफ देखा, उसे यशिका के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रही है। मानव ने यशिका को शांत कराने के लिए उसका हाथ अपने हाथ में लिया। मानव का हाथ थामकर मानो यशिका एक उफंदी हुई नदी जिस तरह शांत होती है वैसे ही शांत हो गई। फिर मानव बोला, तुमको क्या लगता है उनसे बात करके कोई फायदा है, उन लोगों को तो दोनों फैमिलीज में फूट डलवाने से फायदा है, तो वो तुम्हारी क्यों सुनेंगे, बीच में तो मुझे एक बार ऐसा लगने लगा था कि ये लोग सुधर गए हैं, लेकिन वो सिर्फ ड्रामा था जेल से जल्दी छूटने के लिए। मानव की बात पर यशिका ने परेशान होते हुए जवाब दिया, नहीं मानव, गलती उनकी नहीं है, ये गलती वानी की है, कोई किसी में फूट नहीं पड़वा सकता जब तक खुद ना चाहो, ये दरारें वानी और माँ की बनाई हुई है, वो लोग तो बस फायदा उठा रहे हैं। यशिका की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, अच्छा अब थोड़ा रिलैक्स होकर सो जाओ, कल की कल देखेंगे।
अगले दिन सुबह होते ही यशिका ने सोचा, एक बार और उन लोगों से जाकर बात करनी चाहिए, क्या पता कोई सलूशन मिल जाए। लेकिन पहले मैं बच्चों को स्कूल और मानव को ऑफिस जाने देती हूँ। और ये सोचते हुए मानव को ऑफिस और बच्चों को स्कूल भेजने की तैयारी में लग गई। यशिका को यूं इस तरह चुप चुप देख मानव ने यशिका की तरफ देखते हुए परेशान मन से पूछा, यशु सुनो ना, तुम सच में उन लोगों से बात करने जाने वाली हो? तुम्हें लगता है फायदा होगा? मानव की इस बात का यशिका को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने बस मानव की तरफ देखा और कंधे उछा दिए। मानव उठा और यशिका के कंधे पर हाथ रखकर बोला, परेशान मत होना, कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। मानव की बात सुनकर यशिका ने हामी में से हिलाया और फिर मानव की तरफ देखते हुए बोली, मानव मुझे सच में नहीं पता कि वहां जाने से कोई फायदा होगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में हर्ज क्या है। फिर कुछ सोचते हुए यशिका ने घड़ी की तरफ देखा और हड़बड़ाते हुए बोली, वो सब छोड़ो, तुम जैसा भी होगा मैं तुमको बता दूंगी, बस तुम प्लीज बच्चों के स्कूल का टाइम हो रहा है, उनको स्कूल छोड़ते हुए निकल जाना। मानव और बच्चों के घर से जाते ही यशिका भी जल्दी जल्दी तैयार हुई और बाहर जाकर कार स्टार्ट की और फिर रवि वर्मा को कॉल मिलाई। पापा मैं एक बार हर्ष से बात करके देखना चाहती हूँ, इसलिए उसके घर की तरफ जा रही हूँ। यशिका को कॉल पर थोड़ा परेशान देखकर रवि वर्मा ने कहा, ठीक है बेटा जैसा भी हो बता देना। एक तरफ यशिका हर्ष के घर हर्ष की माँ से मिलने जा रही है तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने उसकी तरफ देखा तो उसमें से वानी की माँ उतरकर इंस्पेक्टर की तरफ आई। इंस्पेक्टर ने मन ही मन सोचा, ये यहाँ पर क्यों आई है? अभी इंस्पेक्टर ये सब सोच ही रहा था कि तभी इंस्पेक्टर ने देखा वानी की माँ के साथ कोई एडवोकेट भी है। इंस्पेक्टर के पास आकर वानी की माँ ने कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं यहाँ हर्ष की बेल के लिए आई हूँ अपने लॉयर के साथ। मैं हर्ष की बेल के लिए आई हूँ ये तो आप समझ ही गए होंगे, लेकिन अब आपके पास भी कोई कारण नहीं है मुझे ना कहने का, तो प्लीज आप इन पेपर्स को पढ़कर बेल पर साइन कर दीजिए। इंस्पेक्टर ने वानी की माँ की तरफ देखा और उनके हाथ से पेपर लेकर पढ़े, फिर हवलदार को आवाज लगाकर कहा, जाओ हर्ष को ले आओ। हवलदार ने इंस्पेक्टर की बात पर ध्यान से वानी की माँ और वकील की तरफ देखा, फिर सेल से हर्ष को निकाला और साथ चलने के लिए कहा। एक तरफ हवलदार सेल से हर्ष को निकालकर इंस्पेक्टर की तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ यशिका ने हर्ष के घर पहुंचकर डोरबेल बजाई। डोरबेल की आवाज सुनकर हर्ष की बहन ने दरवाजा खोला। हर्ष की बहन को थोड़ा पीछे धकेल देते हुए गुस्से में तमतमाई हुई यशिका ने हर्ष की माँ को देखकर कहा, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? क्या मिलेगा आपको ये सब करकर? यशिका की तरफ देखते हुए वानी की माँ शैतानों वाली मुस्कुराहट के साथ हंसी और बोली, शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया। वैसे भी तुम्हारी बहन चाहती है कि बच्चे को बाप का नाम मिले, तो हम बीच में नहीं आना चाहते, और ये तभी संभव है जब हर्ष जेल से बाहर निकले, बस जेल से निकलवाने के लिए ही कहा है। यशिका हर्ष की माँ की बात सुनकर फ्रस्ट्रेशन में बोली, तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए ही तुमने वानी को मेरे खिलाफ लगाया है, ये अच्छा नहीं किया। आपको क्या लगता है मेरे पति और परिवार के खिलाफ उसको यूज करोगे और मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहूंगी? यशिका की बात सुनकर हर्ष की माँ ने मुंह बनाते हुए कहा, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये कहावत तुम्हारे ऊपर ही है, इतने पैसे वाले हो मेरे बेटे को छुड़वा दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा, पर नहीं तुम लोगों को तो केस करना है। खैर मेरी बात ध्यान से सुनो। हर्ष की माँ कुछ और कहती बीच में ही यशिका ने उनकी बात काटते हुए कहा, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। हर्ष की माँ मुस्कुराई और बोली, नहीं सुननी तो कोई बात नहीं, फिर बदनामी को भुगतो। वैसे भी ये तो तुम्हारे खानदान की रीत चली आ रही है बिना ब्याह माँ बन जाने की, जिस तरह से तुम बिन ब्याह माँ बन गई थी वैसे ही वानी भी बन जाएगी। लेकिन कभी सोचा है कि तुम्हारे साथ तो मानव का परिवार और मानव था, लेकिन वानी का साथ कौन देगा? इतना बोलकर हर्ष की माँ मुस्कुराई, उसकी उस हंसी में उसकी चाल और चालाकी दोनों साफ झलक रही थी। एक तरफ यशिका को हर्ष की माँ अपने घर पर ब्लैकमेल कर रही है तो दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में हर्ष जैसे ही बाहर आया, हर्ष को देखकर वानी की माँ की आंखें चमक गई और वानी की माँ हर्ष को लेकर बाहर जाने लगी। तभी इंस्पेक्टर ने रोका, जो तुमने काम किया है उसकी वजह से हमारी नजर तुझ पर ही है, समझा? आज के बाद दोबारा ये काम या कोई दूसरा गलत काम करने का सोचना भी मत, वरना लंबा अंदर जाएगा। इंस्पेक्टर की बात पर हर्ष ने हामी में गर्दन हिलाई और चुपचाप पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। हर्ष के पीछे पीछे वानी और वकील भी बाहर आ गए। वानी की माँ के साथ आए हुए वकील ने बाहर निकलकर वानी की माँ से कहा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। वकील साहब की बात पर वानी की माँ मुस्कुराई और बोली, थैंक यू वकील साहब। फिर वानी की माँ हर्ष की तरफ मुड़ी और गाड़ी की तरफ इशारा करके बोली, कार में बैठो। इतना कहकर वानी की माँ ने कार का दरवाजा खोला, लेकिन तभी हर्ष ने गुस्से से कार के दरवाजे पर लात मारी और दरवाजा बंद हो गया। तुम और तुम्हारी बेटी चाहे जो कर लो, मैं उससे शादी नहीं करने वाला, और तुम अभी के अभी निकलो यहाँ से। कहकर जैसे ही हर्ष मुड़ा वो सकपका गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला का खुला। ऐसा क्या देख लिया हर्ष ने? कौन आया वहां? क्या यशिका को पता चल गया कि हर्ष जेल से बाहर आ गया है? क्या यशिका हर्ष की माँ को समझा पाएगी? जैसे ही हर्ष ने कार के दरवाजे को लात मारी और पीछे पलटा, यशिका को खड़ा देखकर चौंक गया। यशिका ने भी हर्ष से गुस्से में कहा, क्या हुआ, मुझे देखकर इतना हैरान क्यों हो? पर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वानी की माँ बीच में ही बोल पड़ी, क्योंकि वो भी यशिका को अचानक देखकर हैरान थी। यशिका तुम यहाँ? यशिका को वहां देखकर हर्ष के साथ साथ वानी की माँ भी घबरा सी गई। हर्ष के चेहरे पर यशिका को देखते के साथ ही पसीने आने लगे। हर्ष यशिका को फेस करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जानता था कि वो यशिका की किसी भी बात का जवाब नहीं दे पाएगा, इसलिए वो तुरंत हवा से तेज कदमों से निकलने लगा। लेकिन यशिका तुरंत उसके पीछे गई और उसे रोकते हुए बोली, रुको रुको हर्ष, भागो मत, अगर फेस करने की हिम्मत नहीं है तो गलत काम करते क्यों हो? मगर हर्ष था कि रुकने को तैयार नहीं था, वो बस तेज कदमों से चला जा रहा था। यशिका हर्ष को पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागने लगी। वानी की माँ भी यशिका के साथ साथ हर्ष का पीछा करने लगी। यशिका ने कहा, मैं कहती हूँ रुक जाओ, पीठ दिखाकर भागने की कोशिश मत करो, कब तक मुझे पाओगे? हर्ष रुका, उसकी मेल ईगो हर्ट हुई। वानी की माँ भी यशिका के साथ हर्ष तक पहुंच गई। हर्ष गुस्से में यशिका से बोला, क्या क्या कहा तुमने, दोबारा कहना जरा? यशिका हर्ष की तरफ ध्यान से देखते हुए जाकर बोली, वही जो तुमने सुना।
वानी की माँ सब देख रही थी। उसने मन में सोचा, ठीक है, हर्ष यशिका के ही कंट्रोल में आएगा और हर्ष का कंट्रोल में आना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे तो ये कभी भी मेरी वानी से शादी नहीं करेगा। मैंने कुछ भी कहा तो वानी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। इस यशिका को ही आगे खड़ा होने दो, मेरा काम भी हो जाएगा और मैं बुरी भी नहीं बनूंगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। ये सोचकर वो रुक गई। अब हर्ष ने यशिका की तरफ गुस्से से देखा और फिर हर्ष ने मुंह बनाते हुए कहा, तुमको क्या लगता है कि मैं तुमसे और तुम्हारे उस स्टूपिड पति से डरता हूं? अच्छा है, गलत फहमी पाले रखो, मन लगा रहेगा तुम्हारा, क्योंकि वैसे ही मन लगाने को ज्यादा कुछ खास बचेगा नहीं तुम्हारे पास। तुमने मुझे जेल भेजा था ना, अब तुम्हारे बर्बाद होने का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। छोड़ने वाला नहीं हूं मैं, ना तुम्हें, ना तुम्हारे पति को और ना ही तुम्हारी उस बहन को। हर्ष की बातों में वानी को बुरा बंदा देख वानी की माँ वानी के फेवर में बोली, नहीं नहीं बेटा, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरी वानी ऐसी नहीं है। उसने तो खाना पीना सब छोड़ दिया है, वो तो इतनी मुरझा सी गई है बेटा तुम्हारे जेल जाने के बाद से। मेरी बेटी बहुत टूट गई है, उसी ने मुझे भेजा था यहाँ लॉयर के साथ तुम्हारी बेल कराने, वो मर जाएगी तुम्हारे बिना। हर्ष ने गुस्से में कहा, मुंह बंद कर अपना, मैं यहाँ पागल नजर आता हूँ, अच्छे से जानता हूँ सब, और तुम्हारी उस मुरझाई हुई कली वानी को भी, किसी और के कर्म मैं अपने माथे लिख लूं, इतना भरा नहीं हूं मैं। हर्ष वानी की माँ से बदतमीजी करने लगा। तभी यशिका बीच में बोली, तुम लोगों के इस मामले में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, पर हाँ, अगर मेरी फैमिली तुम लोगों की वजह से परेशान हुई तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, और हर्ष तुम्हारी सिर्फ बेल हुई है, पर मैं तुम्हें कोर्ट में छोड़ूंगी नहीं। यशिका की बात सुनते ही हर्ष चिढ़ गया और बोला, अच्छा क्या कर लोगी तुम, मुझे ये बताओ। यशिका ने हर्ष को वार्न किया, वो तो तुम और तुम्हारी माँ देख लोगे, लेकिन मैं भी अपने परिवार के साथ खड़ी हूँ, तुम अपनी गंदी चालों में कामयाब नहीं होंगे और ना ही मैं वानी की जिंदगी खराब होने दूंगी। तभी वहां एक गाड़ी आकर रुकी और हर्ष उसमें बैठकर चला गया। यशिका वानी की माँ की तरफ मुड़ी और बोली, आप क्यों वानी की गलत बात में उसका साथ दे रही हैं? उसकी जिंदगी नर्क बन जाएगी अगर वो हर्ष के साथ शादी करेगी, आप क्यों नहीं समझती कि ये सब सही नहीं हो रहा? यशिका की बात पर वानी की माँ तुलक कर बोली, तुम किस मुंह से ये बात कर रही हो, जाओ जाकर अपने पति को बचाओ, कहीं बेचारा परेशान ना हो। वानी की माँ की बातों से किसी नई चाल की बुआ रही थी। यशिका ने उनके मुंह लगना जरूरी नहीं समझा, वानी की माँ अकड़ कर जाने लगी। यशिका अब गहरी सोच में है, उसने हर्ष को जाहिर नहीं होने दिया पर अब वो उससे डर रही है। यही बातें सोचते हुए वो कार में बैठ गई, लेकिन ड्राइव करते हुए हर्ष की बहुत सी बातें उसके कानों में गूंज रही है और वो सोच रही है, क्या मतलब था हर्ष का, वो क्या कर सकता है, उसने कहा था काउंटडाउन स्टार्ट, क्या करेगा वो, क्या मेरी फैमिली में किसी की जान को कोई खतरा तो नहीं, और माँ का क्या मतलब था, क्या परेशानी हो सकती है मानव को, क्या मुझे मानव को कॉल लगानी चाहिए, पहले बच्चों को स्कूल से पिक कर लेती हूँ, घर पहुंचकर बात करूंगी। वो ये सब सोच ही रही थी कि अचानक से रॉन्ग साइड से आ रहे एक ट्रक से यशिका की कार की टक्कर हो गई। सभी लोग उसकी कार के आसपास आकर खड़े हो गए। यशिका की कार का एक्सीडेंट हो गया और दूसरी तरफ मानव के वेयरहाउस में ड्रग सप्लाई का केस मीडिया तक पहुंच गया। मानव परेशान अपने कमरे में घूम रहा है और खुद से कहा, ये मीडिया वाले बिना छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बना लेते हैं, पहले ही क्या कम परेशानी है और अब ये खबर मीडिया तक पहुंची कैसे। अभी मानव ये सब सोच ही रहा था कि तभी इन्वेस्टर की कॉल आई। मानव की कॉल पे करते ही इन्वेस्टर ने कहा, मिस्टर मानव, हम ये सब क्या देख रहे हैं, इस तरह से हम सब आपके साथ काम नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टर की बात से मानव परेशान हो गया और बोला, आप मेरी बात समझने की कोशिश करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीडिया वाले पता नहीं क्या ही टेलीकास्ट कर रहे हैं, आप हमारे इतने पुराने इन्वेस्टर हैं, आपको मुझ पर इतना ट्रस्ट तो होना चाहिए ना। इतने में आगे से कॉल कट हो गया। वहीं खड़े मानव के असिस्टेंट ने कहा, ये एक रिपोर्ट है सर, हमारे सारे इन्वेस्टर्स ने सपोर्ट हटा लिया है, मुश्किल से अब दो या तीन इन्वेस्टर्स बचे हैं, वो भी आउट ऑफ इंडिया से हैं, तो उन्हें यहाँ की मीडिया के फैलाए हुए रूमर्स का ज्यादा पता नहीं है। मानव ने गुस्से में कहा, पर ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे, ये बात तो क्लियर हो गई थी कि जो भी हुआ उसमें हमारा कोई फॉल्ट नहीं था, तो अब ये बातें क्यों उठ रही हैं। तभी उसके फोन पर कॉल आई। पहले तो रवि वर्मा की कॉल देखकर मानव ने इग्नोर कर दी, लेकिन बार बार कॉल आने पर मानव ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से रवि वर्मा की घबराई हुई आवाज आई। हालांकि उसका इस वक्त किसी से बात करने का मन नहीं था, पर वो जानता था कि इस वक्त सिवाय रवि वर्मा के कोई उसकी फैमिली के साथ नहीं है। उसने कॉल उठाया और रवि वर्मा घबराते हुए बोले, मानव बेटा तुम जल्दी से ऑफिस से निकलो और सिटी हॉस्पिटल पहुंचो। रवि वर्मा को घबराया हुआ देख मानव ने पूछा, क्या हुआ, कौन है सिटी हॉस्पिटल में? मानव की बात का जवाब देते हुए रवि वर्मा ने कहा, यशु का एक्सीडेंट हो गया है। रवि वर्मा की बात सुनते ही मानव को लगा कि जैसे वो गिर जाएगा और उसके मुंह से निकला, क्या, कैसे, मैं पहुंचता हूं। मानव बहुत बुरा घबरा गया, ऑफिस के दरवाजे की तरफ भागता हुआ पहुंचा। मीडिया की भीड़ मानव के इंतजार में ऑफिस के दरवाजे पर बैठी थी और मानव को देखते ही वो सब मानव पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े। मानव, आप इतने बड़े बिजनेस टाइकून होकर ड्रग सप्लाई जैसा काम क्यों कर रहे हो? क्या आपका इस शहर के सभी ड्रग्स माफिया के साथ कांटेक्ट है? मीडिया के ऐसे सवाल पर मानव चिढ़कर बोला, इस बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन मीडिया वाले मानव को वहां से निकलने नहीं दे रहे, इस वजह से मानव उन पर चीखा, बस कीजिए, बहुत हुआ ये ड्रामा, मेरी पत्नी की जान खतरे में है और आप लोगों को खबर सूझ रही है, और अपनी कार की तरफ भागकर सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गया। हर्ष के घर की डोरबेल बजी। हर्ष की मां ने दरवाजा खोला और हर्ष को अपने सामने खड़ा देख उनकी आंखें भर आईं। हर्ष ने अपनी माँ को गले से लगा लिया और उसकी माँ बोली, जल्दी अंदर आ। फिर हर्ष की माँ ने दरवाजा बंद कर दिया। हर्ष ने अपनी माँ से पूछा, माँ माँ तुमने तो कमाल कर दिया, मुझे लगा कि अब मैं बाहर नहीं आ पाऊंगा। हर्ष की आवाज धीमी कराते हुए उसकी माँ बोली, वानी जैसा मोहरा पास हो तो तुम कैसे बाहर नहीं आते? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जो मैं कहती हूँ वो करो। माँ की बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, पर माँ मैं उसे शादी नहीं करना चाहता। हर्ष की माँ हर्ष की बात सुनकर मुस्कुराई और बोली, उस जैसी को अपने घर की बहू बनाने का शौक मुझे भी नहीं है बेटा, पर हमें उसकी जरूरत आगे भी पड़ेगी, मत भूलो केस अभी बंद नहीं हुआ है और ना ही यशिका चुप बैठने वालों में से है। उसकी माँ ने अपनी आंखों से हर्ष को इशारा किया, क्या मतलब माँ, मैं कुछ समझा नहीं। यशिका सुबह आई थी और उसकी बातों से मैं समझ गई थी कि वो आराम से तो नहीं बैठेगी, तब मैंने डिसाइड किया और एक ट्रक वालों को पैसे देकर उसका एक्सीडेंट करवा दिया।
हर्ष को उसकी माँ के शब्दों में यशिका के लिए नफरत दिख रही है। हर्ष से पकड़ कर बैठ गया। ओ माय गॉड माँ, आपको अंदाजा भी है आपने कितनी बड़ी गलती कर दी। मेरे जेल से बाहर आते ही यशिका मुझसे मिली थी और मेरी उसकी बात हुई थी। अब सबका शक मुझ पर जाएगा। ये सुनकर हर्ष की माँ घबरा गई और बोली, तो अब तुम जल्दी से जल्दी उस वाणी से मिलो, वही है जो इस वक्त तुम्हें बचा सकती है। एक तरफ हर्ष की माँ हर्ष को वाणी से मिलने के लिए बोल रही है तो दूसरी तरफ मानव हॉस्पिटल पहुंचकर रवि वर्मा की तरफ भाग कर गया और बोला, कहाँ है यशिका, क्या बोला डॉक्टर से, ठीक तो है ना वो? रवि वर्मा सिर झुकाकर आंखों में पानी ले आए और बोले, उसका बचना मुश्किल है मानव। मानव के कंधे टूट गए। उसकी बीवी उसकी ताकत थी और उसको इस हालत में देखकर उसकी जान जैसे निकल गई हो। मानव की जिंदगी में एक और बुरी खबर ने फिर दस्तक दी। अभी मानव इस सदमे से उभर भी नहीं पाया था कि तभी ऑफिस से कॉल आया। मानव ने कॉल पिक की तो दूसरी तरफ से असिस्टेंट बोली, सर वो हमारी न्यू डील कैंसिल हो गई, इन्वेस्टर मीडिया की न्यूज़ की वजह से डील कैंसिल कर रहे हैं। मानव सब तरफ से घिर गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसके शब्द खो गए, पैर कांपने लगे और लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, जो होगा देखी जाएगी, और धड़ाम से कुर्सी पर गिर गया। मानव ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दी। अब वो सच में बर्बाद है, वो सड़क पर आ गया है, कुछ भी नहीं है उसके पास, ना पैसा ना। एक तरफ ऑफिस में घाटा और यशिका के एक्सीडेंट से मानव बिखर गया तो दूसरी तरफ वाणी खुश होते हुए अपने घर पर अपनी माँ से बोली, थैंक यू माँ, अब मैं क्या करूँ, प्लीज मुझे बताओ, हर्ष ने तो साफ मना कर दिया। वाणी परेशान होकर अपनी माँ से पूछ रही है, लेकिन माँ ने कहा, फिक्र मत करो, तुम उसे कॉल करो और उसे मिलो, मैं जानती हूँ वो मान जाएगा। उसकी माँ उसको दिलासा देती है। माँ के कहने पर वाणी ने फोन मिलाया। हेलो हर्ष, हेलो मैं वाणी बोल रही हूँ। हर्ष जैसे वाणी की कॉल का इंतजार कर रहा था इसलिए जानकर बोला, कौन वाणी, मैं किसी वाणी को नहीं जानता। वाणी रोने लगी और बोली, हर्ष प्लीज एक बार मुझसे मिलो, मैं तुमसे मिलकर बात करना चाहती हूँ, प्लीज हर्ष मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर भीख मांगती हूँ। उसकी बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, ठीक है मुझे आज शाम कॉफी शॉप पर मिलो। वाणी हर्ष की फेवरेट कलर की ड्रेस पहनकर रेडी होकर उसे मिलने जाती है और जैसे ही वो वहां पहुंची हैरान हो गई। ऐसा क्या देख लिया वाणी ने जो वो इतनी हैरान है? कौन है वो जिसने मीडिया को ड्रग केस के बारे में बताया? क्या यशिका की जान बच जाएगी? क्या सबको यशिका के एक्सीडेंट की सच्चाई पता चलेगी? यशिका के एक्सीडेंट ने मानव को तोड़ दिया। मानव हॉस्पिटल में उधर पागलों के जैसे घूम रहा है और अंदर ऑपरेशन थिएटर में यशिका जिंदगी और मौत से लड़ रही है। रवि वर्मा से मानव की ये हालत देखी नहीं जा रही। उन्होंने मानव के पास जाकर कहा, बेटा भगवान के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता, बस दुआ ही कर सकते हैं, परेशान मत हो, खुद को संभालो और बैठ जाओ। रवि वर्मा की बात सुनकर मानव रोने लगा और निर्हाल होकर बैठ गया। तभी उसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर कोई हलचल सी दिखी। वो एकदम से उठा और ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागा। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था मानव की बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। अभी मानव बेचैन ओटी के बाहर खड़ा ही है कि तभी सामने से डॉक्टर आता हुआ दिखाई दिया। मानव एकदम से डॉक्टर के करीब गया और बोला, डॉक्टर साहब कैसी है यशिका? बौखलाए हुए मानव ने एक ही बार में कई सारे सवालों की लाइन लगा दी। डॉक्टर मेरी यशिका ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? वो कब ठीक हो जाएगी? मैं अंदर जाकर उसे देख सकता हूँ क्या? बताइए ना डॉक्टर, आप कुछ बोलते क्यों नहीं, मेरी यशिका ठीक है या नहीं? डॉक्टर ने मानव की तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, देखिए मैं आपको किसी गलतफहमी में नहीं रख सकता, यशिका की कंडीशन सीरियस है, ये 24 घंटे उसके लिए बहुत क्रिटिकल है, इंटरनल ब्लड लॉस बहुत ज्यादा है और अभी कुछ नहीं कह सकते, आपकी दुआएं ही उन्हें बचा सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनकर मानव और मिस्टर रवि वर्मा सन रह गए। मिस्टर रवि वर्मा ने जैसे तैसे मानव को संभाला। इसी बीच सामने से तेज कदमों से दादाजी आते हुए दिखे और उन्होंने आकर मिस्टर रवि वर्मा से पूछा, कैसे हुआ ये सब रवि, अगर तुम्हारा फोन नहीं आता तो मुझे पता ही नहीं चलता। रवि वर्मा ने रोते हुए दादाजी को सारी बात बताई। अभी दादाजी रवि वर्मा से बात कर ही रहे थे कि मानव एकदम उठा और दादाजी से लिपट कर रोने लगा। मानव ने रोते हुए दादाजी से कहा, प्लीज दादाजी कुछ भी करके मेरी यशिका को बचा लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जिसको जो चाहिए ले ले, बस मुझे यशिका दे दो। दादाजी ने मानव को संभालने की कोशिश की और उसे सहारे से बैठाया। मानव कहीं खो सा जाता है। उसे यशिका के साथ बिताए सभी पल याद आने लगे, हर वो खुशी का पल जो उसने यशिका के साथ बिताया था, उन दोनों की आपसी अनबन, एक दूसरे पर गुस्सा होना, ये सब याद आते ही मानव फूट फूट कर रो पड़ा। एक तरफ यशिका जिंदगी और मौत से आईसीयू में जूझ रही है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में लगा हुआ टीवी मानव की कंपनी में हुए ड्रग घोटाले की खबरें दिखा रहा है, जिससे रवि वर्मा और दादाजी दोनों की परेशानी और बढ़ गई। दादाजी ने परेशानी और गुस्से के मिले जुले भावों के साथ कहा, किसने पहुंचाई मीडिया तक ये खबर, लोगों के मन में जो भी आ रहा है बके जा रहे हैं, इनको क्या मालूम कि असलियत में हकीकत क्या है, ऐसे किसी के खिलाफ कैसे कोई न्यूज़ बनाकर दिखा सकते हैं, मैं इन लोगों पर मानहानि का दावा करूंगा। रवि वर्मा ने दादाजी को शांत करते हुए कहा, प्लीज शांत हो जाइए, इस समय हमारी प्रायोरिटी यशिका है, इन लोगों से हम बाद में निपट लेंगे। रवि वर्मा की बात सुनकर दादाजी ने हामी में से हिलाया। इसी बीच सामने से दो पुलिस वाले आते हुए दिखे। उन दोनों को देख रवि वर्मा और दादाजी खड़े हो गए। उनमें से एक आदमी ने दादाजी से कहा, कैसे हैं यशिका मैडम? दादाजी ने हैरानी के साथ पुलिस वाले से पूछा, क्यों किस लिए पूछना है? दूसरे पुलिस वाले ने बताया, दरअसल बात ऐसी है कि जिस ट्रक से यशिका मैडम का एक्सीडेंट हुआ है वो ट्रक कोई आम ड्राइवर नहीं चला रहा था, वो एक शातिर बदमाश है जो अब फरार है, हम यशिका मैडम का बयान लेने आए थे। पुलिस वालों की बात सुन दादाजी ने मिस्टर रवि वर्मा के तोते उड़ गए। अभी दादाजी और मिस्टर रवि वर्मा पुलिस वालों से बात कर ही रहे थे कि सामने से मानव आता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने आंखों में आपस में बात की और पुलिस वालों को चुप होने के लिए कहा। दादाजी ने पुलिस वाले से कहा, देखो सामने से मानव आ रहा है, वो पहले ही परेशान है, उसके सामने तुम लोग इस बारे में कोई बात मत करना। जैसे ही मानव उनके पास आया, मानव ने प्रश्न भरी नजरों से रवि वर्मा और दादाजी की तरफ देखा और पूछा, दादाजी क्या बात है, ये पुलिस यहाँ क्यों आई है?
दादाजी ने अपने फेस के एक्सप्रेशन को छुपाते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, ये बस यशिका के बारे में कुछ पूछताछ करने आए हैं, और कोई बात नहीं है। रोड एक्सीडेंट का केस है ना, इसलिए बस कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। तुम फिक्र मत करो, हम सब देख लेंगे। एक तरफ हॉस्पिटल में दादाजी और मिस्टर रवि वर्मा पुलिस वालों से बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ घर पर मानव और यशिका को ना पाकर दोनों बच्चे परेशान हो रहे हैं। शुभम ने परेशान होते हुए बुआ जी से कहा, मुझे मम्मी के पास जाना है, अभी तक वो क्यों नहीं आई। शुभम की बात सुनकर आर्या ने भी कहा, हाँ हाँ, मम्मी कभी इतनी देर से नहीं आती, मुझे भी मम्मी के पास जाना है, आप प्लीज पता करो ना मम्मी इस समय कहाँ पर है। तभी शुभम ने भाग कर बुआ जी का सेल उठा लिया, और बुआ जी के मना करने के बाद भी पहले यशिका को कॉल मिलाई, लेकिन सेल बंद है। फिर आर्या ने शुभम के हाथ से कॉल मिलाने के लिए सेल खींचा और कहा, मैं पापा को कॉल मिलाकर पूछता हूँ, और उसने मानव को कॉल मिलाई। मानव और यशिका की कॉल ना मिलने से दोनों बच्चे रोने लगे। बुआ जी ने दोनों बच्चों को चुप कराते हुए कहा, लाओ इधर लाओ सेल, मैं बात करती हूँ, अभी डांटती हूँ दोनों को, बेचारे बच्चे परेशान हो रहे हैं, और वो दोनों है कि अभी तक घर पर नहीं आए। और बुआ जी ने यशिका को कॉल मिलाई, लेकिन यशिका का नंबर स्विच ऑफ है, तो बुआ जी ने मानव को कॉल मिलाई। पहली बार मानव का नंबर नहीं उठा, दूसरी बार जैसे ही मानव का सेल उठा, बुआ जी ने पूछा, मानव कहाँ है यशिका, बच्चों की कोई परवाह है कि नहीं है, बच्चे बेचारे यहाँ उसे ना पाकर परेशान हो रहे हैं। बुआ जी की बात पर मानव कुछ कहता उससे पहले ही बुआ जी ने आगे कहा, आज यशिका उन्हें स्कूल भी लेने नहीं आई, स्कूल से टीचर का कॉल आया था कि आज आपके घर से बच्चों को कोई लेने नहीं आया, तो मैंने यशिका को कॉल भी किया, पर उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, फिर मैंने यहाँ से ड्राइवर को भेज दिया था, अब दोनों बच्चे घर आ गए हैं, पर अपनी माँ के लिए बहुत परेशान है। बुआ जी की बात का जवाब देते हुए मानव ने बुझे हुए मन से कहा, यशिका तो जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में जंग लड़ रही है। और इतना बोलते ही वो रोने लगा। ये सुनते ही बुआ जी के हाथ पैर कांपने लगे, बुआ जी की जुबान लड़खड़ाने लगी, और उन्होंने लड़खड़ाती हुई आवाज में मानव से पूछा, हॉस्पिटल में ये क्या कह रहे हो तुम मानव, यशिका हॉस्पिटल में। और मानव ने सारी बात बुआ जी को बताई। फिर मानव ने कहा, आप बस भगवान से दुआ कीजिए कि सब ठीक हो जाए, और बच्चों से कुछ मत कहना, अभी बच्चे और परेशान हो जाएंगे। इतना कहते ही मानव ने कॉल कट कर दी। मानव की कॉल कट होते ही बुआ जी धड़ाम से कुर्सी पर बैठ गई, उनकी समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। दोनों बच्चों ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या कह रहे हैं पापा, कितनी देर में आ जाएंगे। बुआ जी ने खुद को संभालते हुए कहा, अब एक जरूरी मीटिंग में दोनों ही फंसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे, और आप लोगों को घुमाने भी लेकर जाएंगे, इसलिए अभी कुछ खा लो। फिर बुआ जी ने कांपते हुए हाथों से शिखा को कॉल मिलाई और बोली, शिखा मेरा दिल घबरा रहा है, कुछ देर के लिए तुम घर पर आ सकती हो। शिखा ने पूछा, ऐसा क्या हो गया बुआ जी। फिर बुआ जी ने शिखा को सारी बात बताई, जिसे सुनते ही शिखा शॉक रह गई। एक तरफ बुआ शिखा को कॉल कर यशिका की एक्सीडेंट की बात बता रही है, तो दूसरी तरफ वानी और वानी की माँ हर्ष के घर पहुंची। हर्ष ने जैसे ही दोनों माँ बेटी को देखा, मुंह बनाकर बोला, क्यों आई है यहाँ पर आप दोनों, क्या काम है। हर्ष की बात का जवाब देते हुए वानी की माँ हर्ष से बोली, हर्ष तुम मेरी बेटी से शादी कर लो, तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। हर्ष बिना सोचे समझे बोला, मैं ये शादी नहीं कर सकता, तुम्हारे परिवार ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी, और तुम चाहती हो कि मैं तुमसे शादी कर लूं। तुमसे शादी कर मुझे क्या मिलेगा, तुम्हें सिर्फ बच्चे के बाप का नाम चाहिए, इसीलिए मैं जानता हूं तुम लोग मेरे घर के चक्कर लगा रहे हो। बुरा नहीं हूं मैं, जब मैं जेल में था तो तुम लोगों ने कैसे मेरी माँ और मेरी बहन के साथ बिहेव किया। अभी हर्ष वानी और वानी की माँ को खरी खोटी सुना ही रहा था कि तभी बीच में हर्ष की माँ आ गई और बोली, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी कर ले तो आपको भी हमारे लिए कुछ करना होगा। इतना बोलकर वानी और वानी की माँ की तरफ हर्ष की माँ ध्यान से देखने लगी। हर्ष की माँ ने ध्यान से देखा, लेकिन हर्ष भी अपनी माँ की इस बात को लेकर काफी शॉक है। अपनी माँ की बात को काटते हुए हर्ष एकदम बोल पड़ा, माँ मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा, किसी भी हाल में नहीं करने वाला, आज मेरी जो भी हालत है वो सिर्फ और सिर्फ इस खानदान की वजह से है। हर्ष की माँ ने हर्ष को आंख कर इशारों ही इशारों में चुप होने के लिए कहा, और फिर वानी की माँ की तरफ मुंह करके बोली, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही होगा, लेकिन आप एक बात साफ सुन लें, आपके बेटी और दामाद की वजह से मेरे बेटे की इतनी बदनामी हुई है कि अब किसी कंपनी में नौकरी लगना आसान बात नहीं है। मेरे बेटे की तो सारी जिंदगी खराब हो गई, और आप चाहती हैं कि मेरा बेटा आपकी बेटी से शादी कर ले। इतना कुछ होने के बाद भी मैं अपने बेटे की शादी आपकी बेटी से कराने को तैयार हूँ, लेकिन। हर्ष की माँ की इतनी बात सुनते ही वानी और वानी की माँ ने एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखा। हर्ष की माँ मुस्कुराई और आगे बोली, मेरी एक शर्त है आपसे जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। वानी की माँ ने बिना सोचे समझे कहा, हाँ, क्या शर्त है आपकी, मैं वो सारी पूरी कर दूंगी। एक तरफ वानी और वानी की माँ हर्ष के घर पर सभी शर्तें मानने को तैयार हो गई है, तो दूसरी तरफ मानव यशिका की आईसीयू के बाहर वाली कुर्सी पर बैठा है। इतने में ही एकदम से नर्स यशिका के कमरे से बाहर की तरफ भागी। नर्स चिल्लाई, डॉक्टर। नर्स को इस तरह से चिल्लाता हुआ देख मानव भी घबरा गया और बोला, नर्स क्या हुआ, यशिका ठीक तो है। नर्स ने कोई जवाब नहीं दिया और वो भागी हुई डॉक्टर के कैबिन में चली गई। जैसे ही डॉक्टर आया, मानव भी उनके पीछे पीछे आईसीयू रूम में पहुंच गया, और वहां जाते ही मानव के होश उड़ गए। यशिका को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। मानव ने घबराकर यशिका का हाथ पकड़ लिया और फूट फूट कर रोने लगा। मानव रोते हुए बोला, यशिका तुम्हें मेरे लिए जीना होगा, तुम मुझे इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नर्स ने मानव से कहा, प्लीज आप डॉक्टर को अपना काम कर लेने दीजिए, आप प्लीज बाहर जाकर बैठ जाइए। लेकिन मानव ने जिद में कहा, नहीं मैं यही रहूंगा, मेरी यशिका को अगर कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मानव के ये कहने पर नर्स चुप हो गई। उसने बाहर जाकर रवि वर्मा और दादाजी को बुलाया और मानव को संभालने के लिए कहा। एक तरफ आईसीयू में यशिका मौत से लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ हर्ष की माँ वानी की माँ को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। हर्ष की माँ ने एक बार फिर से कहा, एक बार सोच लो फिर से, लेकिन अगर तुमने मेरी शर्त पूरी नहीं की तो तुम्हारी बेटी कुंवारी ही माँ बनेगी, और तुम्हें पता है ना बिना बाप के बच्चे का समाज में जन्म लेना कितना शर्मनाक हो सकता है, और अगर कोई कसर बाकी रह गई तो मैं तुम्हारी बेटी को समाज में चैन से रहने नहीं दूंगी।
ये सुनते ही वानी और वानी की माँ घबरा जाते हैं और दोनों एक साथ बोली, नहीं, हमें जो भी शर्त होगी वो मंजूर है, आप बताओ हमें क्या करना है। वानी और वानी की माँ का जवाब सुनकर हर्ष की माँ के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने शैतानों वाली मुस्कुराहट के साथ हर्ष की तरफ देखा और हल्के से आंख दबाई, फिर आगे कहा, सोच लो, बाद में पीछे हटी तो अच्छा नहीं होगा। वानी की माँ ने हर्ष की माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, जैसा आप कहेंगी वैसा ही होगा, हम पीछे नहीं हटेंगे। इतना सुनते ही हर्ष और हर्ष की माँ खुश हो गए और हर्ष की माँ ने अपनी शर्त सामने रखी। हर्ष की माँ की शर्त सुनते ही वानी और वानी की माँ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या यशिका मानव के लिए आखिरी सांस तक लड़ेगी? क्या दादाजी और रवि वर्मा पता लगा पाएंगे कि किसने भेजा था वो क्रिमिनल ट्रक ड्राइवर? हर्ष की माँ की क्या शर्त थी जिसे सुनकर वानी और वानी की माँ दोनों हैरान रह गए? मानव हॉस्पिटल के मंदिर में बैठा यशिका के लिए एक एक सांस की भीख मांग रहा है। यशिका मानव के लिए सिर्फ उसका प्यार ही नहीं, उसकी हिम्मत भी है जो वक्त के साथ साथ टूटती जा रही है। मानव जानता है कि अगर आज यशिका को कुछ भी हो गया तो वो एक पल भी उसके बिना जी नहीं पाएगा। मानव मंदिर में मूर्ति की तरफ देखते हुए रोते हुए बोला, बहुत मजा आ रहा होगा ना आपको मुझे इस हालत में देखकर। एक तरफ आपने मेरी इज्जत, मेरी धन दौलत सब मुझसे छीन ली और दूसरी तरफ मेरी यशिका जिसे मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, अब आप उसे भी मुझसे छीनना चाहते हैं? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आपको जान ही चाहिए तो मेरी ले लो, पर मेरी यशिका को मुझसे मत छीनो। मैं क्या कहूंगा अपने दोनों बच्चों से जो कल से अपनी माँ का इंतजार कर रहे हैं? आपको मेरे लिए ना सही, लेकिन उन दो मासूम बच्चों के लिए यशिका को बचाना होगा। एक माँ को आप अपने बच्चों से दूर नहीं कर सकते। और वहीं से पकड़कर फूट फूट करने लगा। एक तरफ हॉस्पिटल के मंदिर में मानव भगवान के आगे यशिका की हेल्थ की भीख मांग रहा है तो दूसरी तरफ दो पुलिस वाले रवि वर्मा और दादाजी से बात कर रहे हैं। अचानक से मानव वहां पहुंचा और बोला, आप लोग मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मैंने उस दिन भी आपसे सवाल किया था लेकिन आपने मुझे सही नहीं बताया, बताइए। मानव की तरफ देखकर दादाजी ने समझाने के लिए कहा, परेशान मत हो मानव, हम अपने आप से बातें देख लेंगे। इन पुलिस वालों को लगता है कि यशिका का एक्सीडेंट एक नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। दादाजी के इतना कहते ही मानव की आंखों में खून सवार हो गया और वो बोला, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, जिसने भी वो एक्सीडेंट किया है मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, बर्बाद करके रखूंगा। मानव को शांत करने के लिए मिस्टर रवि वर्मा ने कहा, प्लीज मानव शांत हो जाओ, ये समय नहीं है गुस्सा करने का, तुम्हें अभी सिर्फ यशिका पर ध्यान देना है, हम नहीं चाहते थे कि तुम और परेशान हो। मिस्टर रवि वर्मा की बात सुनकर मानव की आंखों में आंसू आ गए और मानव ने दादाजी की तरफ देखते हुए कहा, हमें जल्द से जल्द उस ड्राइवर का पता लगाना होगा, तभी पता चल सकता है कि यशिका के खिलाफ किसने की है साजिश। सच में भगवान कसम मैं उसे छोड़ूंगा नहीं दादाजी। दादाजी ने मानव की कमर पर हाथ रखा और कहा, बेटा हम भी नहीं छोड़ेंगे, हमने खुद इंस्पेक्टर को कहा है जल्द से जल्द पता लगाने को, लेकिन अभी सिर्फ हमें यशिका पर ध्यान देना है, उधर घर पर बच्चे भी परेशान हैं। एक तरफ दादाजी और मिस्टर रवि वर्मा मानव को हॉस्पिटल में समझा रहे हैं तो दूसरी तरफ वानी की माँ और वानी अभी तक हर्ष के घर ही हैं। वानी की माँ ने हर्ष की माँ से जैसे ही पूछा कि आप वानी को किन शर्तों पर अपने घर की बहू बनाएंगी, तभी एकदम से हर्ष की माँ ने चाल चलते हुए कहा, बनाएंगे ना बहू, जरूर बनाएंगे, हमें पहले आप 200 करोड़ दे दो, हम आपकी लड़की को अपना लेंगे और इस बच्चे को भी। 200 करोड़ सुनते ही वानी और वानी की माँ शॉक हो गए। वानी की माँ के मुँह से निकला, 200 करोड़, इतने सारे पैसे कैसे कर पाएंगे हम अरेंज? वानी की माँ की बात पकड़ते हुए हर्ष की माँ ने कहा, देख लो, जबरदस्ती कोई नहीं है, हमारी एक मामूली सी कंडीशन है, आप इसे पूरा कर दोगे तो हम वानी से हर्ष की शादी करवा देंगे, आपकी बेटी के बच्चे को भी बाप का नाम मिल जाएगा, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप जा सकते हैं, हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं, वरना आपको तो पता है आपकी बेटी से अब कौन करेगा शादी। उनकी बात सुनकर वानी की माँ ने घबराकर वानी की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में पूछा। वानी ने इशारे से कहा, आप हाँ कर दो। वानी के इतना कहते ही वानी की माँ ने हर्ष की माँ से कहा, आपको 200 करोड़ मिल जाएंगे, बस आप हमें कुछ दिन का टाइम दीजिए, हम 200 करोड़ आपको दे देंगे, लेकिन आपको भी हमसे वादा करना होगा कि आप वानी को अपने घर की बहू बनाएंगे। एक तरफ वानी और वानी की माँ ने हर्ष की माँ की कंडीशन मान ली तो दूसरी तरफ बुआ की कॉल के बाद शिखा बजाज मैंशन पहुंची और बुआ जी से सारी बात पूछी। बुआ जी रोते हुए बोली, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, बस मैं इतना जानती हूँ कि यशिका बहुत जल्दी में कहीं गई थी, कहाँ गई थी, किससे मिलने गई थी मुझे नहीं पता, उसने कहा था कि वो आते हुए बच्चों को स्कूल से पिक कर लेगी, मुझे लगा बच्चे यशिका के साथ है इसलिए स्कूल से आने में देरी हो रही है, कि यशिका बच्चों को कहीं घुमाने ले गई होगी, पर थोड़ी देर बाद स्कूल से कॉल आई कि आपके घर से बच्चों को लेने अभी तक कोई नहीं आया है, तो मैंने जल्दी से ड्राइवर को भेज दिया, मैंने यशिका को कॉल मिलाया तो उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। शिखा तुम देखो ना, बच्चे बेचारे कितना रो रहे हैं, बार बार अपनी माँ के बारे में पूछ रहे हैं, मैं क्या बताऊँ इनसे कि इनकी माँ कहाँ है, किस हालत में है, मानव ने भी मना किया है कि बच्चों को कुछ मत बताना। शिखा बुआ जी की बात सुनकर घबरा गई और वो पहले तो बच्चों को चुप कराते हुए बोली, बेटा मम्मी जल्दी ही घर आ जाएंगी, फिर तुम दोनों उनके साथ खूब खेलना। दोनों बच्चों को चुप कराने के बाद शिखा ने मानव को कॉल मिलाई लेकिन मानव ने कॉल नहीं ली। शिखा की चिंता बढ़ने लगी, फिर शिखा ने मिस्टर रवि वर्मा को कॉल कर पूछा। एक तरफ शिखा मिस्टर रवि वर्मा से एक्सीडेंट के बारे में पूछ रही है तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में मानव ने इंस्पेक्टर को कॉल मिलाया और कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं नहीं जानता आपको कुछ भी करके मैं 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूं, आप उस ट्रक ड्राइवर का पता लगाएं, मुझे हर हाल में ड्राइवर चाहिए। मानव की बात का जवाब देते हुए इंस्पेक्टर ने कहा, मिस्टर मानव आप चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी कोशिश है, अगर ये सोची समझी साजिश है तो मैं उन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, आप अपना ख्याल रखें और आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। मानव ने पुलिस इंस्पेक्टर की बात का कोई जवाब दिए बिना ही कॉल कट कर दी। एक तरफ मानव काफी गुस्से में है तो दूसरी तरफ मानव से बात करने के बाद इंस्पेक्टर ने सब जगह उस ट्रक ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश तेज कर दी, इसलिए उन्होंने सारे शहर में उस ट्रक ड्राइवर की वांटेड के पोस्टर लगा दिए, चारों ओर पुलिस ही पुलिस फैल गई।
एक तरफ पुलिस उस जाने माने क्रिमिनल को ढूंढने में लगी है जिसने यशिका का एक्सीडेंट किया है, तो दूसरी तरफ मानव के पास इन्वेस्टर की एक बार फिर से कॉल पर कॉल आने लगी और उन्होंने मानव से तभी के तभी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा। मानव की समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, बार बार सबको जवाब देते देते थक गया। तभी दादाजी ने आकर मानव के कंधे पर हाथ रखा और समझाते हुए कहा, मानव बेटा ये परीक्षा की घड़ी है, इसमें गुस्से से काम नहीं दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मैं और रवि हैं यहाँ पर, जाओ मीटिंग कराओ। मानव ने सुस्त नजरों से दादाजी की तरफ देखा और हॉस्पिटल से अपनी ऑफिस की तरफ निकल गया। मानव जैसे ही ऑफिस पहुंचा वहां सारे इन्वेस्टर्स पहले से ही मौजूद हैं, जिन्हें देखकर मानव परेशान हो गया और उनको शांत करते हुए मीटिंग रूम में बैठने के लिए बोला। मीटिंग रूम में मानव के पहुंचते ही एक इन्वेस्टर ने कहा, मिस्टर मानव हम ये सब क्या सुन रहे हैं, आपके वेयरहाउस से इतना बड़ा ड्रग सप्लाई हुआ और आपने हमें बताया भी नहीं। मानव ने इन्वेस्टर की बात का जवाब देते हुए कहा, देखिए आप जो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं। अभी मानव आगे कुछ बोलता उसे पहले ही इन्वेस्टर ने कहा, मिस्टर मानव हम क्या समझ रहे हैं हमें भी मालूम है और आपको भी, लेकिन आप ही बताइए जब मार्केट में आपका नाम खराब होगा तो कंपनी के शेयर भी तो डाउन होंगे, ऐसे में हम आपकी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यदि हमें कोई फायदा नहीं तो इन्वेस्ट करने से भी क्या फायदा, इसलिए हमें तो अभी आप माफ कीजिए, हर बार आपकी कंपनी में कोई ना कोई नया कांड होता है और हमें मुंह की खानी पड़ती है। अभी इन्वेस्टर मानव को खरी खोटी सुना ही रहा था कि तभी एक और इन्वेस्टर ने बोला, आप कह रहे हैं कि सब ठीक है, कहाँ है ठीक, देखिए। और ये कहते हुए उसने मानव के आगे अपना मोबाइल बढ़ाया और सोशल मीडिया पर मानव की कंपनी और यशिका की एक्सीडेंट को लेकर जो भी न्यूज चल रही थी वो दिखाई। न्यूज में लिखा है, जाने माने बिजनेसमैन मानव बजाज की पत्नी का हुआ एक्सीडेंट, क्या ये सिर्फ एक मामूली सा एक्सीडेंट है या फिर मानव बजाज के काले करतूतों का अंजाम, क्या यशिका बजाज भी अपने पति के साथ ड्रग डीलिंग जैसे काले धंधे में शामिल थी जिसका अंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्या यशिका बजाज की जान बच जाएगी। मानव ने जैसे ही ये न्यूज पढ़ी तो गुस्से में बोला, व्हाट रबिश, जो मन में आया बोल रहे हैं, इतना कोई कैसे इनह्यूमन हो सकता है, मेरी पत्नी जिंदगी और मौत से हॉस्पिटल में लड़ रही है और इन लोगों को अपनी न्यूज को चक्कर लगाकर परोसने से डर नहीं लगा। मानव ने गुस्से में सबकी तरफ देखा और कहा, आप लोगों को भी जो भी मेरे बारे में सोचना है सोच सकते हैं, जिसे मेरे साथ आना है आए और जो अपना हाथ पीछे खींचना चाहता है आराम से खींच सकते हैं, मैं पहले भी सही था आज भी सही हूं, इसलिए मुझे किसी का डर नहीं। और इतना बोलकर मानव वहां से वापस हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। एक तरफ मानव हॉस्पिटल की तरफ जा रहा है तो दूसरी तरफ वानी और वानी की माँ हर्ष की माँ से उसकी कंडीशन पूरी करने का वादा कर वापस अपने घर की तरफ जा रही है। रास्ते में वानी ने अपनी माँ से कहा, इन लोगों ने हमारी मजबूरी का फायदा उठाया है। वानी की माँ ने वानी की तरफ देखा और कहा, मजबूरी का फायदा तो हर कोई उठाता है, हमें अब ध्यान इस बात पर देना है कि पैसे कैसे अरेंज करें, अगर इन लोगों को 200 करोड़ नहीं दिए तो ये तेरे बच्चे को नहीं अपनाएंगे और समाज तुझे चैन से रहने नहीं देगा। अब सोचने वाली बात यह है कि हमें ये 200 करोड़ का अरेंजमेंट कैसे करना है, मैं तुझे समाज के बोझ तले नहीं दबने दूंगी और ना ही ये बच्चा बिना बाप के पैदा होगा। एक तरफ वानी और वानी की माँ इतने रुपयों का इंतजाम कैसे करेंगे ये सोचकर परेशान है तो दूसरी तरफ टीवी पर आ रही यशिका की एक्सीडेंट की न्यूज देखकर हर्ष हैरान हो गया और बड़बड़ाते हुए बोला, मुझे धमकी दे रही थी, देखा खुद के साथ क्या हुआ है। और इतना बोलते हुए हर्ष ने अपनी माँ की तरफ देखा, माँ के चेहरे पर मुस्कान देखकर हर्ष को शक हुआ और उसने अपनी माँ से पूछा, आप इतना क्यों मुस्कुरा रही हो। माँ ने हर्ष की तरफ देखा और संदेह भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, वक्त आने पर सब कुछ पता लग जाएगा, अभी तो बस तुम ये सोचो कि वो 200 करोड़ आएंगे तो करना क्या है। माँ की बात का जवाब देते हुए हर्ष ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे तो उम्मीद कम ही लग रही है, कहां से लाएंगी वानी और वानी की माँ ये 200 करोड़ रुपए, मानव को अच्छी तरह से जानता हूं मैं, वो कभी भी किसी भी हाल में 200 करोड़ रुपए उनको नहीं देने वाला। एक तरफ हर्ष 200 करोड़ रुपए मिलेंगे या नहीं ये सोचकर परेशान है तो दूसरी तरफ वानी और वानी की माँ ने रास्ते से मिस्टर रवि वर्मा को कॉल मिलाई और पूछा कहां पर है, क्योंकि उनसे कुछ जरूरी बात करनी है। थोड़ा नाराजगी के साथ वानी की माँ की बात का जवाब देते हुए मिस्टर रवि वर्मा ने उखड़े हुए पूछा, बोलो क्या काम है। वानी की माँ ने उतने ही अकड़ में पूछा, सवाल पर सवाल मत करिए, मैं जानना चाहती हूँ कि आप इस समय कहाँ पर हैं। मिस्टर रवि वर्मा ने बुझी सी आवाज में कहा, हॉस्पिटल। मिस्टर रवि वर्मा के मुंह से हॉस्पिटल का नाम सुनते ही वानी की माँ चौंकी और बोली, हॉस्पिटल क्यों, क्या हो गया, सब खैरियत तो है ना। रवि वर्मा ने दुखी मन से वानी की माँ को बताया, यशिका का एक्सीडेंट हो गया है और वो सिटी हॉस्पिटल में सीरियस है। इतना बोलते बोलते मिस्टर रवि वर्मा की आवाज भरा गई और उन्होंने कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही वानी की माँ ने वानी से कहा, बैठे बिठाए एक और मुसीबत। वानी ने अपनी माँ की तरफ हैरानी के साथ देखा और कहा, क्यों, क्या हो गया। इस पर वानी की माँ ने जवाब दिया, यशिका का एक्सीडेंट, अब हम मानव से किस मुंह से हेल्प मांगेंगे। यशिका के एक्सीडेंट की बात सुनते ही वानी का माथा ठनका और उसने कहा, किसी भी हालत में अब मानव हेल्प नहीं करने वाला। वानी की बात का जवाब देते हुए वानी की माँ ने कहा, मेरे हिसाब से तो अच्छा ही है, अगर ये ठीक होती तो मानव को कोई हेल्प नहीं करने देती, यही मौका है मानव से हेल्प मांगने का। और इतना बोलकर वानी की माँ ने वानी की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। क्या यशिका का एक्सीडेंट कोई साजिश है, क्या इंस्पेक्टर उस ट्रक ड्राइवर का पता लगा पाएंगे जिसकी टक्कर से यशिका का ये हाल हुआ है, क्या वानी की माँ अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएगी। वानी और वानी की माँ सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, मिस्टर रवि वर्मा रिसेप्शन के पास ही थे। वानी और वानी की माँ को आता देख रवि वर्मा खुद से बोले, अब ये दोनों यहाँ क्यों आई हैं। वो ये सोच ही रहे थे कि वानी उनके पास आकर बोली, पापा किस रूम में है यशिका, क्या कह रहे हैं डॉक्टर। रवि वर्मा ने वानी को शक भरी नजरों से देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे और यशु के बारे में क्यों पूछ रही हो। वानी अपनी नजरें घुमाकर बोली, कम ऑन पापा, मैं इतनी इंसानियत रखती हूँ। वानी की माँ तभी बीच में कूदकर बोली, शक करना बंद हुआ हो आका तो ले चलो हमें। लेकिन उन दोनों के चेहरे पर दुख या अफसोस बिल्कुल भी नहीं झलक रहा। मिस्टर रवि वर्मा ने दोनों की तरफ ध्यान से देखा और कहा, अभी आईसीयू में है, मिल नहीं सकता कोई। वानी और वानी की माँ ने मिस्टर रवि वर्मा की बात पर अफसोस जाहिर किया। तभी उन्हें आईसीयू के बाहर मानव खड़ा हुआ दिखा। वानी की माँ मानव की तरफ चल दी। मानव को देखते ही वानी की माँ ने दिखावा करते हुए कहा, मानव बेटा ये कैसे हो गया, बेचारी यशिका, हमारी यशु ने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी भगवान ने ऐसा क्यों किया, उसके साथ भी कोई ना कोई परेशानी लगी ही रहती है, अब बच्चों का क्या होगा। मानव ने वानी की माँ की इस बात पर उनको घूर कर देखा पर कोई जवाब नहीं दिया।
तभी रवि वर्मा थोड़े आगे बढ़े और वानी की माँ का हाथ पकड़ साइड में ले जाकर बोले, यहाँ आ गई हो तो चुपचाप खड़ी रहो, यहाँ कोई सीन क्रिएट मत करना। अभी थोड़ी देर तक तो कोई अफसोस नहीं था तुम्हें, ये फालतू की एक्टिंग करके यहाँ के माहौल में और तनाव मत भरो। पहले ही मिस्टर बजाज और मानव बहुत परेशान है। वानी की माँ ने रवि वर्मा की तरफ हैरानी से देखा और मुंह बिगाड़ कर बोली, आपका बस चले तो मेरे मुंह पर ताला ही लगा दे, अफसोस ही तो जाहिर कर रही हो। इस पर रवि वर्मा ने गुस्से में वानी की माँ का हाथ झटक कर कहा, अफसोस जाहिर कर रही हो यहाँ। बीच में ही वानी ने बात काटी और बोली, आप दोनों फिर शुरू हो गए। वानी की बात पर मिस्टर रवि वर्मा ने ध्यान से वानी की तरफ देखा और बोले, वानी अगर तुम्हें जरा सी भी इंसानियत है ना और जरा सी भी अकल है तो अपनी माँ को बोलो अभी यहाँ से जाए और कोई सीन क्रिएट ना करे। मिस्टर रवि वर्मा की बात पर वानी ने अपनी माँ से धीरे से कहा, मैंने आपको पहले ही कहा था कि हॉस्पिटल जाने से कोई फायदा नहीं, पर आप नहीं मानी और आई यहाँ, हमारी किसी को कोई वैल्यू नहीं है। वानी की माँ ने वानी को झिड़का और कहा, चुपचाप देखती रहो मैं क्या करती हूँ। वानी ने अपनी आंखें बड़ी की और दांत भींच कर बोली, क्या सोच रही हो आप। वानी की माँ ने आंखें मटकाते हुए बोला, तुमको हर चाहिए ना तो बस जैसा कर रही हूँ करने दो। इतना बोलकर वानी की माँ वापस मानव के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, बड़ी मुश्किल से तो सब सही हुआ था लेकिन पता नहीं क्यों दोबारा से ये परेशानियों के बादल घेर आए। ठीक हो जाएगी यशिका, चिंता मत करो। मानव का अटेंशन पाने के लिए वानी की माँ बोली, अगर तुम बोलो तो बच्चों को वानी देख लेगी, मैं उन्हें घर पर बुला लेती हूँ। मानव सकता गया और झटके से बोला, नहीं कोई जरूरत नहीं है, बुआ जी है बच्चों के पास। मानव का अटेंशन पाते ही किरण ने इधर उधर देखा और हिचक के धीमी आवाज में बोली, मानव बेटा वैसे तो मैं जानती हूँ ये सही जगह नहीं लेकिन एक परेशानी थी। मानव ने हैरानी के साथ उनकी तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ बताइए। वानी की माँ ने मानव की तरफ ध्यान से देखा और बहुत धीरे से संकोच जताते हुए बोली, वो बेटा कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी, क्या तुम कुछ समय के लिए हमें 200 करोड़ दे सकते हो। 200 करोड़ का नाम सुनते ही मानव शॉक हो गया और उसने अपनी फटी हुई आंखों से किरण को ऊपर से लेकर नीचे तक देखा। मानव को इस तरह से देखता हुआ देखकर वानी की माँ पहले तो थोड़ा सकाई, फिर खुद को बैलेंस करते हुए बोली, वैसे भी एक डील तो तुम्हारी वानी के साथ भी हुई थी, समझ लो वही पैसा मांग रही हूँ। मानव सोच में पड़ गया कि इतने सारे पैसे क्यों चाहिए इन्हें। फिर मानव ने वानी की माँ की तरफ आश्चर्य के साथ देखते हुए पूछा, लेकिन इतनी बड़ी रकम का आप करेंगे क्या। एक तरफ वानी की माँ हॉस्पिटल की लॉबी में मानव के पास खड़ी धीरे धीरे बातें कर रही है तो दूसरी तरफ दादाजी ने वानी की माँ को मानव से बातें करता हुआ देख सोचा, आज इतनी तीखी मिर्च नरम कैसे है, मुझे तो दाल में कुछ काला लगता है, और ये इतनी देर से मानव से क्या बातें कर रही है, चलकर देखता हूँ। और ये सोचकर दादाजी मानव और वानी की माँ की तरफ जाने लगे। तभी रवि वर्मा ने पूछा, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, सब ठीक तो है ना। दादाजी ने कहा, हाँ हाँ रवि चिंता मत करो, यशिका को लेकर डरा हुआ हूँ। और फिर इतना बोलकर मानव के पास आईसीयू की तरफ जाने लगे। एक तरफ दादाजी वानी की माँ किरण को शक की नजरों से देख रहे हैं तो दूसरी तरफ मानव ने किरण से कहा, किसी वजह से तो आपको अचानक इतनी बड़ी रकम की जरूरत पड़ी होगी। किरण ने मानव की बात पर आंखें चढ़ाते हुए कहा, क्या मैं तुम पर इतना भी अधिकार नहीं रखती कि एक छोटी सी रकम मांगने पर तुम इतने सवाल खड़े कर रहे हो। मानव ने हैरानी के साथ जवाब दिया, छोटी सी रकम, 200 करोड़ आपको छोटी रकम लगती है। यहाँ मैं अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, जब तक यशिका ठीक नहीं हो जाती तब तक मैं यही हूँ। किरण ने मानव से कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी वहां पर दादाजी आ गए। दादाजी को देखकर वानी की माँ थोड़ा सकाई और फीकी सी मुस्कुराहट के साथ वहां से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हो गई। दूर खड़े रवि वर्मा को भी किरण पर थोड़ा शक हुआ और उन्होंने किरण और वानी के पास आकर कहा, हॉस्पिटल में इतनी भीड़ की जरूरत नहीं है, तुम लोग जा सकती हो। मिस्टर रवि वर्मा की बात पर वानी और किरण ने मुंह बना लिया, फिर एक दूसरे को इशारा किया और हॉस्पिटल से निकल गई। एक तरफ किरण और वानी घर वापस जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दादाजी ने मानव के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अब क्या करोगे मानव तुम। मानव ने हैरानी के साथ दादाजी को देखा और बोला, किस बारे में। दादाजी ने मानव की तरफ देखते हुए बहुत धीमी आवाज में कहा, तुमसे किरण ने क्या बोला मैंने सब सुन लिया। मानव ने परेशान होकर दादाजी की तरफ देखा, फिर एकदम से जवाब दिया, वही करूंगा जो मुझे करना चाहिए, मैं जानता हूं कि ये पैसे किसने मंगवाए हैं इनसे। दादाजी मानव को देखते हुए हैरानी के साथ बोले, किसने मंगवाए हैं से क्या मतलब है तुम्हारा मानव, इतने सारे रकम की इन्हें क्या ही जरूरत होगी, ये पैसे की जरूरत इन्हें नहीं है किसी और को है। मानव एक तो तुम ये पहेलियां बनानी बंद करो, साफ साफ बताओ बात क्या है, किरण को इतने पैसे क्यों चाहिए और किरण को नहीं चाहिए तो वो इतने पैसे किसके लिए मांग रही है। मानव ने दादाजी की आंखों में देखते हुए कहा, वो इतने पैसे खुद के लिए नहीं हर्ष के लिए मांग रही है। इतना सुनते ही दादाजी शॉक रह गए और बोले, हर्ष के लिए, वो भी इतनी बड़ी रकम, पर क्यों। मानव माथे पर बल डालते हुए बोला, ये तो मैं भी नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि ये पैसे जरूर हर्ष को ही चाहिए। दादाजी एकदम खड़े हो गए और मानव से बोले, मैं रवि वर्मा से बात करता हूँ। मानव ने दादाजी का हाथ पकड़ा और उन्हें ऐसा करने से रोका। दादाजी ने मानव से प्रश्न भरी नजरों से पूछा तो मानव ने कहा, नहीं नहीं दादाजी आप उनसे कुछ मत कहना, उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं होगा, वो पहले ही यशिका को लेकर काफी परेशान है, हम और उन्हें परेशान नहीं कर सकते। तभी पीछे से किसी ने कहा, किसे नहीं करना चाहते तुम और परेशान। मानव ने मुड़कर देखा तो पीछे रवि वर्मा खड़े थे। मानव ने बात संभालते हुए कहा, अरे नहीं वो तो बस। तभी दादाजी मानव की बात पूरी करते हुए बोले, घर वालों को और परेशान नहीं करना चाहते। फिर दादाजी ने रवि वर्मा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रवि मैं और मानव यहाँ हैं, आप चलो आराम कर लो। पहले रवि वर्मा ने वहां से जाने के लिए आनाकानी की लेकिन बाद में उन्हें दादाजी की बात माननी पड़ी और वो वहां से चले गए। रवि वर्मा के जाते ही दादाजी मानव से बोले, तो आप क्या करोगे मानव बेटा तुम। दादाजी की बात का जवाब देते हुए मानव ने कहा, वही जो मुझे करना चाहिए, मैं इतने सारे पैसे इन्हें नहीं देने वाला, किसी भी हाल में नहीं दूंगा, और ये जानते हुए कि ये पैसे हर्ष ने मंगवाए हैं मैं एक रुपया भी नहीं देने वाला। वैसे भी इतना बड़ा बिजनेस लॉस है, सारे इन्वेस्टर से मना कर दिया है,
जिन इन्वेस्टर से कई साल पुराने रिश्ते थे अब तो वो भी मना कर रहे हैं। पता नहीं किसने ये बात मीडिया में फैलाई है। एक बार पता चल जाए मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। दादाजी थोड़े तनाव में मानव से बोले। मानव थोड़ा संभल कर रहना, हो सकता है हर्ष की कोई नई चाल हो, वो पहले ही तुम्हें बर्बाद कर चुका है। एक तरफ मानव और दादाजी हॉस्पिटल में आईसीयू के बाहर वानी की माँ और वानी को लेकर बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ हर्ष के घर पर हर्ष की माँ बोली, हर्ष तुम्हें क्या लगता है ये लोग 200 करोड़ रुपए ला पाएंगे? हर्ष ने कंधे उछाकर जवाब दिया, मुझे तो थोड़ा मुश्किल लगता है। जितना मैं इन लोगों को समझ चुका हूँ ये 200 करोड़ रुपए मांगने सीधा मानव के पास जाएंगे और मानव इतनी आसानी से इन्हें रुपए देगा नहीं। हर्ष की बात सुनकर उसकी माँ ने ध्यान से हर्ष की तरफ देखा और कहा, फिर? हर्ष ने ठंडा सा जवाब दिया, ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, अभी से क्या सोचना, लेकिन मैं इस बच्चे को नहीं अपनाने वाला। एक तरफ हर्ष बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है तो दूसरी तरफ शिखा बजाज मैंशन में परेशान इधर से उधर हॉल में घूम रही है। शिखा को यूं परेशान देख बुआ जी ने पूछा, क्या बात है शिखा, सब ठीक तो है ना? बुआ जी की तरफ देखते हुए शिखा ने कहा, बुआ जी मैं मानव के लिए चिंतित हूँ, पता नहीं एक ही बात एक परेशानियां उसको घेरे रखती है, सोच रही हूँ कि एक बार हॉस्पिटल जाकर मानव और दादाजी से मिलाऊं। बुआ जी ने शिखा की तरफ ध्यान से देखा और कहा, हाँ हाँ ये सही रहेगा, अभी बच्चे भी शांत अपने कमरे में खेल रहे हैं। बुआ जी की बात सुनकर शिखा ने हामी में से मिलाया और फिर वो फॉरन सिटी हॉस्पिटल के लिए बजाज मैंशन से निकल गई। एक तरफ शिखा सिटी हॉस्पिटल की तरफ जा रही है तो दूसरी तरफ दादाजी मानव के पास बैठे यशिका के होश में आने का इंतजार कर रहे हैं। तभी दादाजी के मोबाइल की घंटी बजी। दादाजी ने मोबाइल की तरफ देखा तो घर से कॉल देकर चौंक गए और उन्होंने जैसे ही कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से आर्यन बोला, दादू आप कहां पर हैं? मम्मी पापा भी नहीं है, हमारा मन नहीं लग रहा। आर्यन की बात सुनते ही दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहते उससे पहले ही आर्यन से सेल शुभम ने ले लिया और वो दादाजी से बोला, आप कितनी देर में आओगे? मम्मी पापा को बोल दो ना कि वो इतनी देर के लिए बाहर क्यों रहते हैं, आप उनको डांट लगाना। बच्चों की बातों से दादाजी की आवाज भरा गई लेकिन खुद को संभालते हुए उन्होंने बच्चों से कहा, हाँ हाँ मैं उन दोनों को बहुत जोर से डांट लगा लूंगा, फिर वो कभी भी इतनी देर के लिए घर से बाहर नहीं रहेंगे। लेकिन बेटा आज वो किसी जरूरी काम में फंसे हुए हैं, अभी मैं थोड़ी ही देर में तुम लोगों के पास आता हूँ, फिर तुम लोग जैसा कहोगे वैसा करेंगे। दादाजी की बात सुनते ही दोनों बच्चे खुश हो गए और एक साथ मोबाइल पर बोले, वाओ पक्का आप हमें आइसक्रीम खिलाने ले चलोगे? दुखी मन से दादाजी ने बच्चों को शांत करने के लिए जवाब दिया, हाँ हाँ पक्का, लेकिन आप लोग प्रॉमिस करो इस बीच बिल्कुल भी रोगे नहीं, टाइम पर खाना खा लोगे, मैं जैसे ही घर आऊंगा पक्का आप लोगों को आइसक्रीम खिलाऊंगा। दोनों बच्चों ने चहकते हुए कहा, पक्का, और कॉल कट कर दी। कॉल कट होते ही दादाजी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मानव ने दादाजी के कंधों पर हाथ रखा और उनको संभालने के लिए खुद की आवाज पर कंट्रोल करते हुए बोला, सब ठीक होगा चिंता मत कीजिए, अगर आप हिम्मत हारेंगे तो मेरा क्या होगा दादाजी, आप तो मेरी हिम्मत है। मानव की बात पर भरी हुई आवाज में दादाजी बोले, और कितना झूठ बोलना पड़ेगा मुझे इन मासूमों से। फिर कुछ सोचा और मानव की तरफ देखते हुए कहा, मैं बच्चों से मिलकर आता हूँ, तुम यहाँ अपना ख्याल रखना और कोई भी परेशानी हो तो फौरन कॉल करना। इतना बोलकर दादाजी सिटी हॉस्पिटल से घर की तरफ चल दिए। एक तरफ दादाजी बजाज मैंशन की तरफ जा रहे हैं तो दूसरी तरफ जैसे ही कबीर ने यशिका के एक्सीडेंट की खबर टीवी पर देखी वो शॉक्ड हो गया और उसने मन ही मन सोचा, हर बार मानव को बर्बाद करने का प्लान बनाता हूँ उससे पहले ही भगवान मेरी सहायता के लिए खड़ा हो जाता है। और ये कुछ सोचते हुए कबीर अपने घर से निकला और कार की तरफ पड़ गया। क्या यशिका को होश आ पाएगा? क्या मानव की प्रेयर्स बेकार जाएंगी? क्या किरण और वानी 200 करोड़ रुपए का इंतजाम करने में सफल हो पाएंगी? कबीर क्या सोचकर अपने घर से निकला और कहां जा रहा है कबीर? मानव सिटी हॉस्पिटल पहुंचता है और भागा भागा सबसे पहले यशिका के कमरे में गया। मानव यशिका की हालत देखकर एकदम शॉक रह गया, यशिका की सांसें फूल रही थी। मानव को लगा जैसे यशिका का बच पाना मुश्किल है। तभी चारों तरफ से नर्स और डॉक्टर भाग के आए और मानव को कमरे से बाहर जाने को कहा। मानव वहीं का वहीं खड़ा रहा। तभी वहां दादाजी आ गए और यशिका के कमरे के बाहर हफड़ा तफड़ी देखकर एकदम डर गए। दादाजी भी भागकर यशिका के कमरे में गए तो देखा कि यशिका तेज तेज सांसें ले रही है। डॉक्टर ने दादाजी से कहा, आप बाहर वेट कीजिए और हमें अपना काम करने दें। दादाजी और मानव दोनों कमरे से बाहर आ गए। मानव बाहर आते ही रोने लगा और दादाजी के गले लग गया। डॉक्टर की एक पूरी टीम यशिका को नॉर्मल करने में लगी हुई है। यशिका की हालत खराब देखकर डॉक्टर ने यशिका को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देते ही यशिका की सांसें और हार्ट बीट दोनों ही फिर से नॉर्मल हो गई। उधर किरण और वानी पैसों की टेंशन में परेशान है कि तभी हर्ष का कॉल आता है। हर्ष ने पैसे का इंतजाम करने के लिए दोनों को खूब प्रेशराइज किया और कहा कि अगले एक हफ्ते के अंदर पैसे हमारे घर आ जाने चाहिए, वरना मैं इस बच्चे को किसी भी हालत में नहीं अपनाने वाला। इतना कहते ही हर्ष ने फोन काट दिया। हर्ष घर से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी माँ ने उसे रोका और कहा कि एक बार सिटी हॉस्पिटल जाकर यशिका को दिखाओ। हर्ष ने हैरान होते हुए बोला, यशिका को दिखाओ? लेकिन क्यों? हर्ष की माँ ने कहा, एक बार देखाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, अगर नहीं गए तो सब तुम पर शक करेंगे, इसलिए एक बार बस जाकर देखाओ। हर्ष ने अपनी माँ की बात मान ली और हाँ कहकर चला गया। डॉक्टर यशिका को इंजेक्शन देकर शांत कर देते हैं। डॉक्टर कमरे से बाहर आए और उन्हें देखकर मानव एकदम से खड़ा हो गया। मानव ने डॉक्टर से पूछा, यशिका ठीक तो है ना? डॉक्टर ने मानव से कहा, अभी हमने बेहोशी का इंजेक्शन दिया है, फिलहाल खतरे से बाहर है। मानव डॉक्टर से और कई सवाल करता। डॉक्टर ने मानव को बताया कि यशिका को इस हालत में स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है और आप लोगों की बातें शायद इन्हें स्ट्रेस दे रही हैं। ऐसा सुनकर मानव और दादाजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दादाजी ने कहा, हमारी बातें? पर हमारी तो कोई बात ही नहीं हुई अभी तक यशिका से। डॉक्टर ने कहा, आपकी नहीं हुई तो किसी की तो जरूर हुई है, वरना यशिका की ऐसी हालत नहीं होती। मानव ने तभी डॉक्टर से कहा,
किसी से का क्या मतलब है? अगर हमने किसी ने बात नहीं की तो यहाँ हमारे अलावा कौन आया था? वहां खड़ी एक नर्स ने कहा कि एक आदमी को मैंने यशिका के कमरे से बाहर आते देखा था। मैंने उसे आवाज लगाई पर उसने सुनी नहीं और वो चला गया। इतना सुनते ही मानव फिर से बौखला गया और हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ पर भड़क गया। दादाजी बोले, तो वो आदमी जो भी था उसकी वजह से यशिका की हालत खराब हो गई। पहले यशिका की हालत ठीक थी, उसने ही यशिका से स्ट्रेसफुल बातें की होंगी। पर कौन हो सकता है वो आदमी? और आप लोगों ने उसे ऐसे ही यशिका के कमरे में घुसने भी कैसे दिया? इतना कहते ही दादाजी एकदम गुस्से में आ गए। मानव ने हॉस्पिटल की सिक्योरिटी वालों को फटकार लगाई कि ऐसे कैसे कोई भी घुस गया यशिका के रूम में? कहां सो रहे थे सबके सब? मैं तुम्हें यहां पैसे सोने के देता हूं, हां बोलो। अगर मेरी यशिका को कुछ भी हो जाता तो तुम सबका नामो निशान मिटा देता मैं। मानव डॉक्टर को आंख दिखाता है और हॉस्पिटल की सीसीटीवी फुटेज लाने को कहता है। मानव यशिका की सिक्योरिटी को लेकर परेशान है तो दूसरी तरफ श्रद्धा की बहन नेहा श्रद्धा की बेल कराकर उसे घर ले जाती है और वहां बताती है कि यशिका का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है, जिसे सुनकर श्रद्धा को बहुत अफसोस होता है। वहीं दूसरी ओर बच्चों ने जिद पकड़ ली है कि वो तब तक खाना नहीं खाने वाले जब तक यशिका घर नहीं आ जाती। दोनों बच्चों ने घर सर पर उठा रखा है। बुआ जी ने दोनों बच्चों को समझाया कि उनकी मम्मी किसी जरूरी काम से बाहर गई हैं, उन्हें अभी कुछ दिन और लगने वाले हैं, बस वो अपना काम पूरा करते ही घर आ जाएंगी। पर दोनों बच्चों ने जिद पकड़ ली कि अब वो अपनी माँ के साथ ही खाना खाएंगे वरना वो ऐसे ही भूखे पेट सो जाएंगे। शिखा ने भी खूब कोशिश की समझाने की पर दोनों ने एक ना सुनी। इतने में ही एक कॉल आया। शिखा कॉल पिक करती है तो बच्चों के स्कूल से प्रिंसिपल का कॉल होता है। शिखा प्रिंसिपल की बात सुनकर शॉक रह जाती है और ये कह के फोन काट देती है कि वो दादाजी से बात करेगी इस बारे में। फोन रखते ही शिखा बुआ जी को बताती है कि बच्चों के स्कूल से कॉल आया था, वो बच्चों को स्कूल से निकालने की बात कर रहे हैं। बुआ जी ने कहा, स्कूल से निकालने की? लेकिन क्यों? शिखा परेशान होकर बोली, खानदान की बदनामी की वजह से हमारे बच्चे स्कूल की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं। बुआ जी ने गुस्से में कहा, स्कूल की रेपुटेशन? वाह, अब ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल के लिए खतरा बन गए, इन मासूम बच्चों की क्या गलती है? शिखा बुआ जी को हौसला रखने को कहती है। शिखा ने बुआ जी से कहा, अभी बुरा वक्त चल रहा है बुआ जी, जल्दी ही अच्छा वक्त भी आएगा। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद दिन जरूर निकलता है, आप हौसला रखिए, सब ठीक हो जाएगा। शिखा मानव को कॉल मिलाती है पर वो फिर एक बार उसकी कॉल नहीं उठाता। फिर शिखा दादाजी को कॉल मिलाती है तो वो भी उसकी कॉल का जवाब नहीं देते। शिखा फिर हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती है। शिखा ने बुआ जी से कहा, बुआ जी आप बच्चों का ख्याल रखो, मैं हॉस्पिटल से होकर आती हूँ। उधर हर्ष यशिका से मिलने हॉस्पिटल आता है पर वो बिना मिले ही वापस चला जाता है। हर्ष की माँ ने जब हर्ष से पूछा कि मिला यशिका से, देखा है उसे, बचने की हालत में है या नहीं, एक्सीडेंट तो काफी बड़ा हुआ है, नहीं बच पाएगी बेचारी, मानव से मिला, कुछ कहा तो नहीं उसने तुझे? बोल ना हर्ष, तू चुपचाप क्यों खड़ा है? हर्ष की माँ की आवाज में एक अलग सा उत्साह था, जैसे उसे पूरा विश्वास था कि यशिका मर ही जाएगी। इतने सारे सवाल सुनते ही हर्ष चिल्लाया और बोला, नहीं मिल के आया मैं। हर्ष की माँ ने पूछा, क्यों नहीं मिलकर आए? हर्ष घबराया हुआ बोला, गया था हॉस्पिटल तक पर वापस आ गया। हर्ष की माँ ने कहा, गए थे और वापस आ गए? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जब गए थे तो मिलकर क्यों नहीं आए? हर्ष ने तेज आवाज में कहा, हाँ गया था पर जैसे ही गया तो सामने मानव गुस्से में हॉस्पिटल के सारे स्टाफ पर चिल्ला रहा था। मानव को इतना गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा, मैं इससे पहले और हिम्मत करता तभी वहां पुलिस आ गई और मैं डर गया और बिना मिले ही वापस आ गया। इससे पहले कि हर्ष की माँ हर्ष से कुछ और बोलती, हर्ष अपने कमरे में चला जाता है और जोर से दरवाजा बंद कर लेता है। उधर शिखा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। शिखा ने मानव को सामने देखा तो सबसे पहले उसके पास गई और कहा, कैसे हो मानव तुम? मानव ने बिना शिखा की तरफ देखे कहा, बच्चे कैसे हैं? शिखा थोड़ी देर मानव को देखती रही और फिर सारी बात बताई कि बच्चे जिद पकड़ कर बैठे हैं कि जब तक यशिका घर नहीं आ जाती वो खाना नहीं खाने वाले, वो तुम्हें और यशिका को बहुत मिस कर रहे हैं। मैंने उन्हें काफी समझाया पर अब वो ना तो मेरी कोई बात सुन रहे हैं और ना ही बुआ जी की, अब तुम ही उनसे बात करो, वो तुम्हारी ही बात को समझ सकते हैं। मानव ने हल्की सी आवाज में कहा, बच्चे खाना नहीं खाएंगे तो कैसे काम चलेगा? बच्चों ने इतने दिन से अपनी माँ को नहीं देखा, मैं उनसे मिलने एक बार घर भी नहीं जा पाया, पता नहीं कैसे रह रहे हैं और कब तक अपनी माँ को देखने के लिए इस तरह तड़पते रहेंगे। मानव की हालत देख शिखा स्कूल के प्रिंसिपल वाली बात उसे नहीं बताती। शिखा ने मानव से कहा, सब ठीक हो जाएगा मानव, तुम घर जाकर बच्चों से मिलाना वरना बच्चे भूखे पेट सो जाएंगे, मैं करता हूँ बात घर। मानव शिखा से इतना कह के चला जाता है। शिखा ने चारों ओर देखा तो उसे सब अजीब सा लगा, हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सिक्योरिटी। तभी सामने से दादाजी आते हैं। दादाजी शिखा को हॉस्पिटल में देखकर एकदम चौंक गए। शिखा तुम यहाँ, घर पर सब ठीक तो है ना, दोनों बच्चे ठीक है? शिखा उखड़ी सी आवाज में बोली, कुछ ठीक नहीं है दादाजी, बच्चों ने जिद पकड़ी है कि वो तब तक खाना नहीं खाने वाले जब तक यशिका घर नहीं लौटाती। दादाजी ने परेशान होकर कहा, दोनों बच्चों को अपनी माँ की याद आ रही है इसलिए इस तरह से जिद पकड़ ली है, फिर अब क्या करना है शिखा? मैंने मानव को बता दिया है, वो घर जाकर बच्चों को समझा देगा, बच्चे उसकी बात समझ आएंगे। दादाजी ने कहा, हाँ ये सही किया तुमने, पर तुम भी परेशान लग रही हो, बाकी सब ठीक है ना? शिखा बोली, एक और बात है दादाजी, ये बात मैंने मानव को नहीं बताई वरना वो और परेशान हो जाता। आज बच्चों के स्कूल से कॉल आया था, स्कूल के प्रिंसिपल का कॉल था, उन्होंने कहा कि वो हमारे दोनों बच्चों को स्कूल से निकाल रहे हैं, हमारे बच्चों की वजह से उनके स्कूल की रेपुटेशन खराब हो रही है। इतना सुनते ही दादाजी को गुस्सा आ गया, ऐसे कैसे निकाल देंगे मेरे बच्चों को, मैं खुद जाके बात करके आऊंगा, देखता हूँ कितनी रेपुटेशन खराब होती है इनकी। क्या बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा? किरण और वाणी कैसे करेंगी पैसों का इंतजाम? जानने के लिए सुनते रहिए मोहब्बत हो ना जाए, सिर्फ पॉकेट FM ऐप पर।